नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। और आज जो है अपन सस्य विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और सस्य विज्ञान का अंतिम सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। अपन यहां पे फसल उत्पादन की बात करेंगे और फसल उत्पादन के अंदर अपन देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। जल्दी से जो है लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अपन जो है इस क्लास को शुरू कर पाएँ। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एग्रोनॉमी के अंदर तो बहुत सारी फसलें आती है जैसा आपको पता है, तो इन सारी फसलों को एक साथ पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो पाता है क्योंकि कोई भी विद्यार्थी इन सारी फसलों को एक साथ पढ़ नहीं पाता है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो यही रहती है कि इतनी सारी क्रॉप्स को कैसे पढ़े, क्योंकि बहुत सारी किस्में होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है इस केस में, तो इनको याद करना इतना आसान नहीं होता है। तो अपन कोशिश करते हैं कि कैसे जो है अपन इनको सोल्व आउट कर सकते हैं, कैसे जो है अपन इनको इजी वे में अपन पढ़ सकते हैं, कैसे जो है अपन सुपरवाइजर के एग्जाम में इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अपन सोल्व आउट कर सकते हैं, तो यही बात जो है अपन आज की इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। यस, क्लास शुरू करते हैं। तो सो अपन बात कर रहे हैं फसल उत्पादन की बात कर रहे हैं, फास्ट रिविजन इसका करेंगे अपन। तो सबसे पहले आता है गेहूँ, गेहूँ से अपन शुरुआत करते हैं। मधु, गुड इवनिंग। यस, सबसे पहले गेहूं की बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। स्लाइड्स में अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो टाइमली आप बता देना ताकि अपन बात कर पाए। गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का वानस्पतिक नाम टिटिकम एस्टिवम है जो षट गुणित है, यानी कि षट गुणित यह माना गया है, हेक्साप्लोइड यह माना गया है, कुल ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल से संबंध रखता है। गुणसूत्र संख्या 42 होती, 42 होती है, ये एग्जाम में पूछते। इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पश्चिमी एशिया है और आपको पता है तो चने का भी उत्पत्ति स्थल जो होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। गेहूं में औसतन जो होती है 10% प्रोटीन होती है जो ग्लूटेन के नाम से जानी जाती है। गेहूं जो होती है वह आपकी स्व परागित है, क्लिस्टोगेमी की वजह से होती है और ग्रेमिनी कुल का सभी का फल प्रकार जो होता है वह आपका कैरियोसिस होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसमें बात करते हैं तो ये सारी डिटेल बात नहीं करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी की बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो गेहूं का परीक्षण बार जो होता है वह 40 ग्राम होता है, फेलेरिस माइनर का 2 ग्राम होता है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। गेहूं को अनाजों का राजा कहा गया है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि गेहूं के केस में बोनेपन का जीन कौन सा है, नोरिन 10, RST1, RST2 है, इसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट वन बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है कि कठोरता, यह आपको ध्यान नहीं रखनी है। चपाती की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, ग्लूटेन पर निर्भर करती है। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो गेहूं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर इसमें अपन बात करें नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, चावल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम बोई गई अनाज वाली फसल गेहूं और जौ आती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसमें बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है गेहूं के दानों में, यस ये आपको ध्यान नहीं रखना है, औसत उपज आपको ध्यान नहीं रखनी है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहां पे, करनाल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद काला गेहूं कहाँ से विकसित किया है, किसने विकसित किया है, तो नाभी ने विकसित किया है, किसने विकसित किया है, नाभी ने विकसित किया है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली के अंदर इसको विकसित किया गया है, नाभी नाम के संस्थान ने इसको विकसित किया है, इसको जो है आपको याद रखना है ना। थोड़ा और क्लियर आपको देखना है तो थोड़ी अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की वो आप बढ़ा दें, वहाँ पे उसका रिजोल्यूशन आप बढ़ा दें। तो नाभी ने जो है काला गेहूं विकसित किया है और ऐसा कहते हैं कि नाभी द्वारा 7 साल के अनुसंधान पर यह काला गेहूं विकसित किया गया है, इसे नाभी MG के नाम से भी जाना गया है, नाभी MG भी अपन कहते हैं इसमें। और सबसे बड़ी विशेषता काले रंग के होने की वजह से इसमें एंथोसाइनिन वर्णक इसमें पाया जाता है 100 से 200 PPM, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और आयरन जो होता है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है काला गेहूं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें फाइबर या रेशे की मात्रा भी पाई गई है, जो भी ध्यान रखना है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे मरु गेहूं का नाम दिया है, राजस्थान के लिए स्पेसिफिक अच्छे तौर पे इसको बताया गया कि राजस्थान के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद ट्रिटिकल की बात करें तो पहला मानव निर्मित खाद्यान्न, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा ये किसका क्रॉस है, गेहूं और राई का क्रॉस है, इसके अलावा कोई पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना है। आभासी गेहूं फेगोपायरम एस्कुलेंटम इसका नाम है, यही अपने को ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई चीज ध्यान नहीं रखनी। द्विगुणित आपको ध्यान नहीं रखना है, चतुर्थ गुणित गेहूं का केस आपको ध्यान रखना है जिसमें टिटिकम डाइकोकम को इमर गेहूं जो दक्षिण भारत में उपमा बनाने के लिए काम में लेते हैं, जबकि टिटिकम ड्यूरम जो मैक्रोनी गेहूं जो सूजी और सेमिया बनाने के लिए काम में लेते हैं। और भारत में दूसरा महत्वपूर्ण गेहूं है जिसकी खेती अपने देश के अंदर की जा रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं षट गुणित में सबसे इंपोर्टेंट टिटिकम एस्टिवम आता है, जिसे सामान्य या मेक्सिकन गेहूं कहते हैं, जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल 87% एरिया में उगाया जाता है। इसके बाद भारतीय गेहूं की श्रेणियां कितनी, तो भारतीय गेहूं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आता है भारतीय अंबर गेहूं,
जिसमें मोटा दाना, अंबर, पारपासी, चमकदार यानी प्रोटीन 11% होती है, भारतीय सोना गेहूं जो मध्यम आकार का होता है, मध्यम कठोर 10% प्रोटीन होती है। तो ये सिर्फ नाम ध्यान रखने, बाकी ज्यादा आपको इसमें डिटेल ध्यान नहीं रखनी है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे जो भारतीय अंबर गेहूं है, ये ज्यादातर कौन लोग खाना पसंद करते हैं, जो धनी वर्ग के लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो इसको खाना पसंद करते हैं। इसके बाद भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा बोया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है इसमें से भारतीय सोना गेहूं, कौन सा गेहूं बोते हैं, भारतीय सोना गेहूं, इस वर्गीकरण के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद आता है भारतीय पीसी गेहूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे पीसी गेहूं की जो वैरायटी है, सोनालिका का नाम आपने सुना होगा, तो सोनालिका एक पीसी गेहूं की वैरायटी है। इसके बाद भारतीय हार्ड गेहूं, यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, और इस भारतीय हार्ड गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है 12 से 14%, बाकी जो होती है गेहूं में 10% के आसपास प्रोटीन होती है। इसको बेकरी ब्रेड बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है जलवायु की बात करें, तो जलवायु के केस में आपको GTGR नाम की ट्रिक याद है, उसमें से टिल्डिंग वाला तापमान आपको याद रखना है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी ध्यान नहीं रखना है। बुआई का समय, वही रबी का सीजन है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बीज दर की बात करें, तो समय पर बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज दर इसमें काम में लेते हैं। इसमें कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके अलावा डिबलर, या कई बार पूछते हैं डिबलिंग क्या है, डिबलिंग बुआई की विधि जिसमें एक एक बीज को बोया जाता है, और कोई चीज ध्यान नहीं रखनी आपको यहाँ पे। फिर्ब मेथड, ये पूछते हैं फरो इरिगेटेड राइज बेड सिस्टम, इसमें बीज दर कितनी रखते हैं, ये एग्जाम में आती है 75 kg पर हेक्टेयर, kg आएगा, ग्राम नहीं आएगा, 75 kg पर हेक्टेयर बीज दर जो है फिर्ब के अंदर रखते हैं। और फिर्ब जो है गेहूं उगाने की नई विधि है जिसमें पानी की भी बचत होती है। बुआई की गहराई की बात करें, तो यह प्रांकुर चोल की लंबाई पर निर्भर करता है, और औसत गहराई कितनी रखते हैं गेहूं में, 5 सेंटीमीटर रखते हैं। बीजोपचार का तरीका कोई सी भी फसल में कौन सा आता है, FIR आता है, F4 फंजीसाइड, I4 इंसेक्टिसाइड, और R4 राइजोबियम कल्चर होता है। तो इसमें फंजीसाइड में थायरम कैप्टान बाविस्टिन, और इसमें इंसेक्टिसाइड के रूप में क्लोरपाइरीफॉस टर्माइट के लिए, और कल्चर के रूप में इसमें एजोटोबैक्टर काम में लेते हैं। ये खाद वाद आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। उर्वरक का केस देखे तो 120-60-40 आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 120 नाइट्रोजन, 60 फॉस्फोरस और 40 पोटास। कौन कौन सी फसल के केस में ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट गेहूं के केस में, नंबर सेकंड चावल के केस में, नंबर थर्ड संकर मक्का के केस में, और नंबर फोर्थ गन्ना के केस में। लगभग इसके पास ही आपको एनपीके मिलेगा, यही आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा आपको चीज ध्यान नहीं रखनी। और आपको पता है कि पहली बार जो उर्वरक देते हैं वो अपन बेसल डोज के रूप में देते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन के टुकड़े करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस और पोटेशियम तो पूरा ही जो है बेसल डोज के रूप में दे दिया जाता है। इसमें फिर्ब का मेथड में आपको बता चुका हूँ, फरो इरिगेटेड राइज बेड सिस्टम होता है, 75 kg पर हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। सिंचाई की 6 क्रांतिक अवस्थाएं, जिसकी ट्रिक है CTJ FMD, यानी CRI, टिल्डिंग, जॉइंटिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग एंड डफ स्टेज होती है, उसमें 20-20 दिन के अंतराल से होती है। और इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है CTJ FMD, यानी जब एक सिंचाई हो तो CRI पर दे, दो सिंचाई हो तो CRI और जे पर दे, तीन हो तो फिर मिल्किंग के दे, और कई बार जॉइंटिंग शब्द नहीं आता है, प्री फ्लोरिंग आ जाता है, उस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये विभिन्न अवस्थाओं में 20-20 दिन का अंतराल होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। CRI अवस्था 21वें दिन पे आती है, और 20 से 25 दिन पर ये जो है सबसे अच्छी या सबसे ज्यादा क्रांतिक अवस्था मानी गई है, ये सारी अवस्थाएं। इसके बाद इसकी जलमांग कितनी है, 450-650 है। इसके बाद एकल जीन बोनी किस्में कौन सी है, तो इसमें ये सारी एकल जीन बोनी किस्में दे रखी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोनालिका। नाम कौन सा याद रखना है, सोनालिका का याद रखना है आपको एकल जीन बोनी किस्मों में। द्विजीन बोनी किस्मों में जो आपको नाम याद रखना है वो रखना है प्रताप जनक अर्जुन का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन आपको याद रखना है कल्याण सोना, और इवन कल्याण सोना तो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है कि किस प्रकार के किस्म है, तो ये द्विजीनी बोनी किस्म के रूप में मानी गई है। इसके बाद छोटी लड़मा एक ऐसी वैरायटी जिसमें तीनों रोलियां नहीं लगती है, प्रतिरोधी किस्म मानी गई है। त्रिजीनी किस्म में बात करें तो हीरा मोती ज्वार ज्योति, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन बढ़ते दूसरी किस्मों की बात करते हैं, सिंचित क्षेत्रों वाली किस्में आपको ध्यान नहीं रखनी है। देरी से बुआई के लिए लोकवन जो है अच्छी मानी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। बाराने के लिए सुजाता काफी इंपोर्टेंट वैरायटी मानी गई है, जहां पे पानी की कमी होती है। युगांडा ध्यान नहीं रखना है आपको। लवन सहनशील जो आपको खारचा 65 ध्यान रखना है, जो लवन को सहन कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन इसमें अपन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति में योगदान लर्मा रोजा का रहा है, सोनारो का रहा है, इसके अलावा SD2329 जनक का रहा है, ये भी अपनों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो गेहूं और चावल, जो गेहूं और जो का अनुसंधान जो करनाल के अंदर है, उसके द्वारा DBW नाम से, अगर आपको DBW नाम की सीरीज की वैरायटी मिलती है, तो बेसिकली ज्यादातर जो है आपके गेहूं की मिलेगी। इसमें जैसे करण वंदना, करण वैष्णवी, ये करण आदित्या, करण शिवानी, तो इतना आपको रटना नहीं है, केवल करण नाम की वैरायटी मिली आपको, ज्यादातर
तो गेहूं के नाम से जाएगी क्योंकि करनाल से विकसित किया गया है। बाल्टी बायो फोर्टिफाइड किस्म, यानी जिसमें जो है न्यूट्रिएंट बढ़ाए गए हैं, तो बायो फोर्टिफाइड वेरायटी कौन सी, एटलस 66 है, जिसमें उच्च प्रोटीन होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला टिटिकम ड्यूरम, जिसे मैक्रोनी लाल मालन या काठा गेहूं कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट वेरायटी मालविका है, जिसमें 16% प्रोटीन होती है, जो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, खरपतवार की बात करते हैं तो मुख्य खरपतवार गेहूं सा या फेलेरिस माइनर है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसे गेहूं का मामा या गुली डंडा या कैनेरी घास के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। पूर्ण खरपतवार के रूप में बथुआ हो गया। आपत्तिजनक खरपतवार इसमें कौन सा उगता है, हिरणकुरी उगता है, कॉनोनवुलस अरवेंसिस उगता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो चोरी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं उनके नियंत्रण के लिए 2,4-D मुख्यतया काम में लेते हैं। तो आपको सिर्फ 2,4-D याद रखना है, 750 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा इसकी पर हेक्टेयर काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा आता है मेट सल्फ्यूरोन, इसकी मात्रा पूछते 4 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। सक्रिय पत्ती में या मुख्यतः बात हो रही है फेलेरिस माइनर की, किसकी बात हो रही है, फेलेरिस माइनर के लिए जो खरपतवार नाशी पूछेंगे वो आपके सक्रिय पत्ती वाले होंगे। और इसमें पहले लेते थे आइसोप्रोटोरोन 750 ग्राम, लेकिन इसमें प्रतिरोधकता विकसित हो गई है, आरके मलिक ने देखा, तो अभी वर्तमान में जो अपन ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, सल्फो सल्फ्यूरोन ले रहे हैं। इसकी 25-30 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर काम में ली जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है इस भंडारण, आपको ध्यान नहीं रखना है, कटाई गुणांक आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। वैसे कटाई गुणांक का फॉर्मूला इकोनॉमिक यील्ड आर्थिक उपज अपन जैविक उपज इंटू सो होता है, इतना ध्यान नहीं रखना है। औसत उपज कितनी होती है गेहूं की, 40 से 50 क्विंटल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं में कीट कौन सा लगता है, सैन्य कीट आर्मी वर्म का अटैक होता है, बस इतना सा, इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान नहीं रखना है। कीटों रोगों में उसके साइंटिफिक नेमों की तरफ आप नहीं जाए क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो गेहूं की फसल में दीमक की समस्या अक्सर देखी गई है, उदय की समस्या आपको देखने को मिलेगी, यानी ओडेंटोटर्मस ओबेसस की समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या करता है कि यह जो होता है इसमें एक प्रकार का सामाजिक कीट है, श्रम विभाजन इसके अंदर पाया जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात यह कि श्रमिक जो होता है कॉलोनी की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और श्रमिक जो होता है वही जो है आपकी फसलों के जड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सेलुलोज कंटेंट को खाना ये पसंद करता है, इसमें मैथुन उड़ान पाई जाती है। इसके बाद एक सेकंड में एक अंडा और एक दिन में 70 से 80 हजार अंडे देने की क्षमता होती है। इसके शरीर में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा, जो इसके सेलुलोज के पाचन के लिए आवश्यक होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें और ट्राइकोनिम्फा और इसके बीच में सहजीविता का संबंध पाया जाता है, इसके लिए अपन बीजोपचार करना चाहिए। क्लोरपाइरिफोस की 4 ml मात्रा और जैविक नियंत्रण के रूप में मेटराइजम को उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा कीड़ा आता है गुजिया विविल टेनिमेकस इंडिकस, और ये जो होता है गेहूं की छोटी अवस्था में नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद सूत्रकर्मियों की बात करते हैं, इसमें एक सूत्रकर्मी लगता है ईयर कोकल या सीड गोल निमेटोड, यानी दाना एक प्रकार से खोखला रहता है, उसमें सूजन सी अपने को देखने को मिलती है, इसका नाम एंग्विना टिटिसाई है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पहला खोजा गया पादप परजीवी सूत्रकर्मी है, और जिसको सबसे पहले किसने खोजा, निदम नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, ये आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद सूत्रकर्मी गेहूं में अकेला रोग उत्पन्न करता है कौन सा, ईयर कोकल, गेंगला, सेहू या ममनी बोलेंगे, केवल सूत्रकर्मी होगा तो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अंकुरण के पश्चात, इसमें नमक का घोल काम में लेते हैं और बाकी और कोई उपचार नहीं है। रोगों की बात करते हैं तो इसमें रोली रोग उत्पन्न होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोग माना गया है, डॉक्टर केसी मेहता को भारत में रोली रोग का पितामह कहा गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला आता है पत्ती या बुरी रोली, पक्सीनिया रिकोंडिटा नामक कवक की वजह से होता है। ये बिनाश्री रोली, क्योंकि ज्यादातर रोलियां ये बिनाश्री यानी अलग अलग प्रकार के आश्रय स्थल इनके होते हैं। गेहूं पर इसकी यूरिडिया और टीलिया स्पोर्म पूर्ण होती है। थेलिक्टियम जो है इसका एकांतर परपोषी है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसमें बढ़ते हैं, तो इसके मैनेजमेंट के लिए ऑक्सीकार्बोक्सिन अपन काम में ले सकते हैं। पीली या धारीदार रोली जो होता है पक्षीनिया ग्रेमिनिस पक्षीनिया स्टिफॉर्मिस की वजह से होता है, यह भी आपकी हेटेरोसियस रोली है, यह भारत में सर्वाधिक होती है। कौन सी, पीली या धारीदार रोली, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। तना या काली रोली जो पक्षीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई की वजह से होती है, बहुत ज्यादा घातक मानी गई है, बहुत ज्यादा नुकसान इससे होता है, यह भी बिनाश्री रोली मानी गई है। और इसमें बारबरी का पौधा अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसे गेहूं का किलर रोग भी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए ऑक्सीकार्बोक्सिन या प्लांटावेक्स, और इसमें आपको ट्रिक मैंने बताई है, P4 प्लांटावेक्स, R4 रस्ट और O4 ऑक्सीकार्बोक्सिन को इस केस में काम में लेते हैं। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, कंडवा या स्मट रोग की बात करते हैं, तो इसका प्रकोप जो होता है फसल के दानों पर इसका प्रकोप आपको अधिक देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहला आता है अनावरत कंडवा लूस मट, जो स्टीलेगो न्यूडा वेराइटी टिटिसाई नामक कवक से होता है। और ये कैसा होता है, अंतः बीजोड़ रोग होता है, इंटरनली सीडबोर्न होता है, क्योंकि इसका रोग कारक बीजों के अंदर रहता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दानों की जगह काले रंग का पाउडर इसमें बन जाता है, और इसको उपचार के तीनों ही तरीके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, गर्म पानी से उपचार, सूक्ष्म उपचार या कार्बोक्सिन या विटावेक्स का इसमें प्रयोग करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें बात करें आवरत कंडवा,
तो आवरण तंडवा का प्रकोप ज्यादातर जौ के अंदर देखने को मिलता है, स्टीले को हुडे की वजह से होता है और यह बाहे भी जोड़ होता है जो ध्यान होना चाहिए। इसमें भी दाने की जगह काले रंग का चूर्ण बनता है। एक रोग होता है गेहूं में फ्लेक्समेट, फ्लेक्समट यानी झंडा स्मट भी कहते हैं, झंडा का कंडवा रोग भी अपन कहते हैं, यूरोसाइस्टिस ट्रिटिसाई, ये आपको ध्यान नहीं रहेगा, साइंटिफिक नेम चलेगा, लेकिन ये बीज व मर्दा जनित है। इसमें क्या होता है, झंडे जैसी एक काली पत्ती या ऐसी संरचना जो है पौधे के ऊपर दिखाई देती है, ये भी एक गेहूं का रोग है, बस केवल इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद बंट रोग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बंट आता है करनाल बंट रोग, क्योंकि करनाल के अंदर इसको खोजा गया था जो नियोवोसा इंडिका नामक कवक से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसे गेहूं का कैंसर रोग कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और इसका प्रकोप जो होता है पुष्पन अवस्था पर और इसके खेत से जो सड़ी मछली जैसी बुदबू किसकी वजह से आती है, तो ट्राईमिथाइल एमीन की वजह से आती है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पहाड़ी बंट और होती है जिसे स्टिंग स्मट के नाम से भी जानते, तो इसमें भी इसका रोग कारक ध्यान नहीं रखना, सिर्फ अपने को यह ध्यान रखना है कि यह रोग भी किसका है, गेहूं का रोग है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पुष्पन के समय अटैक होता है। इसके बाद चूर्णी लासिता पाउडरी मिल्डू का भी प्रकोप गेहूं में देखा गया है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन टुंडू डिजीज या तंदू डिजीज, पेली बाली सड़न रोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है एक प्रकार का सूत्रकर्मी और जीवाणु आपस में मिलकर यह रोग उत्पन्न करता है। तो सूत्रकर्मी कौन सा है, एग्विना ट्रिटिसाई है, जीवाणु कौन सा है, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाली से पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ जो है वहां से स्त्रावित होता है। इसके बाद जौ की बात करें तो जौ का वनस्पतिक नाम होडियम वल्गेर है, इसमें 6 कतारें पाई जाती है, ग्रेमिनी कुल के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वपरागित होता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात इसके केस में कि सर्वाधिक लवण सहनशील करने वाली फसल में जौ का नाम आता है, उसके बाद चुकंदर और ढेचा आता है। फलों में सबसे पहला लवण सहन करने वाला खजूर है, देन आंवला है, देन बेर है। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन जौ के केस में, इसमें प्रोटीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे जौ का ज्यादातर उपयोग जो होता है बियर या शराब बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें 6 कतार वाले जौ की सामान्यतः खेती भारत के अंदर की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन इसमें बढ़ते हैं तो एक तकनीक आती है बल्बोसम तकनीक और BTT भी बोलते हैं इसको। तो ये किससे संबंधित है, जौ से। इससे ज्यादा आपको जानकारी एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा और ना आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो भी जो है रबी ऋतु की फसल है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसकी बुवाई अपन कर सकते हैं। 100 किलोग्राम बीज दर इसकी पर हेक्टर काम में लेनी चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी किस्में अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है तो मूल्य प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, राजकिरण है जिसका दूसरा नाम है RD387, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। छिलका रहित किस्म कौन सी, डोलमा आपको ध्यान रखनी है, और कोई ध्यान नहीं रखनी है। इसके बाद इसकी शराब बनाने के लिए मेल्टिंग यानी सड़ाने के लिए, शराब बनाने के लिए RA6 आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट वन बढ़ते हैं तो द्विपर्जन्य आपको ध्यान नहीं रखनी है, उत्परिवर्तित आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखनी है, विदेशी किस्म इसकी क्लिपर है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं तो सिंचाई इतनी जो है जौ के केस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे। उपज जो है गेहूं से कम होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, 30 से 35 क्विंटल होती है, गेहूं की 40 से 50 क्विंटल थी। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो रोग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोग जौ में कौन सा होता है, मूल्य रोग होता है, जो क्रमिकोष सूत्रकर्मी हेटेरोडेरा एविनी की वजह से होता है। इसकी खोज सबसे पहले वासुदेव नाम के वैज्ञानिक ने नीम का थाना में की थी, अब तो नीम का थाना भी जिला बन चुका है, पहले सीकर में आता था। इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्रमिकोष सूत्रकर्मी की जो बात करें, यह परपोषी विशेष होता है, एक प्रकार का क्रमी कोष यानी कि एक प्रकार की संरचना बनाता है, उसमें अपने अंडे देने का काम करता है। यह एक प्रकार का अंतः परजीवी सूत्रकर्मी जो अंदर ही जाके जो है नुकसान पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद अपन इसमें आगे देखते हैं तो नेक्स्ट वन आता है कि इसमें कृमिकोष आपको देखने को मिल सकता है। इसमें दूसरा बड़ा रोग होता है आवृत कंडवा, और आवृत कंडवा में अपने देखा है कि यह कैसा होता है, आपका बाह्य बिजोड़ होता है, और इस केस में जो होता है कवक जो होती है क्या करती है, दानों की जगह काले रंग का चूर्ण का फॉर्मेशन वहां पे कर देती है। तीसरी फसल आती है चावल, चावल का वनस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, जो आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रेमिनी कुल का ही है, उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आम का भी उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा ही है, यह आपको ध्यान होना चाहिए, और यह भी स्वपरागित फसल है चेस्मोगेमी की वजह से, ये भी आपको यहां पे जानकारी होनी चाहिए। इसमें प्रोटीन कम होती है, 6 से 7 जो ओराइजिन कहलाती है, यो अनाज वाली फसलों में एक अपवाद है, क्योंकि नॉर्मली अनाज वाली फसलों में 10% प्रोटीन होती है। इसके बाद जो इसमें जो चीजें दी हुई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रेक्षण भार इसका 25 ग्राम होता है, बासमती का जो होता है वो आपका 21 ग्राम होता है, और यह जो है चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल के रूप में मानी गई है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। एशिया में चावल का कटोरा थाईलैंड को कहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आधुनिक चावल की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ओराइजा निमोराना नामक जो जंगली प्रजाति है उससे जो है अभी वर्तमान चावल की उत्पत्ति हुई है, ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो संसार में ये इतना उगाया जाता है, ये भी ध्यान नहीं रखना है। लेकिन चावल के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पे पहले चावल की खेती नहीं होती थी लेकिन अभी हो रही है, गैर परंपरागत क्षेत्र, ये एग्जाम में प्रश्न आता है, तो पंजाब और हरियाणा के अंदर की जा रही है। इसके बाद चावल में खुशबू किसकी वजह से होती है, एरोमा किसकी वजह से होता है, DEACETYL-1-PROPANIL की वजह से होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मार्स गैस रिलीज होती है,
ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट वन अपन स्लाइड पे जाते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कौन सा है तो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला केंद्रीय ध्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक उड़ीसा के अंदर है, और इंटरनेशनल कहाँ है, मनीला फिलीपींस, लोस बानोस जो अपन शब्द काम में लेते हैं वहां पे है। हलिंग परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये इसका 66% या 2/3 होता है ध्यान का, ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। मिलिंग परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्डन राइस की बात करें, सुनहरा चावल की बात करें तो इसकी परिकल्पना किसने दी, इंगो पोर्टिकस ने दी। इसकी विशेषता क्या होती है, विटामिन ए अधिक होता है, और विटामिन ए अधिक वाला जो जीन है वो कौन से पादप से लिया गया, डेफोडिल पादप से लिया गया, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सुपर चावल की परिकल्पना जीएस कुश ने दी जो अधिक पौष्टिक होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संकर चावल का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो युआन लॉन्ग पिंग ने दिया था, चीन से ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद भारत में आया, और इसकी सबसे पहली किस्म जो अपन देखने को मिलती है भारत में MGR1 या ORH1 मिलती है, 1994 के अंदर विकसित की गई है। इसके बाद बात करते हैं V-shaped, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रम कल्चर तकनीक का चावल के अंदर उपयोग हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी पानी की बचत होती है, इसमें अंकुरित बीजों को इसमें डाल दिया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस से ही विकसित किया गया है। इसमें बीज दर आपको अगर पूछ ले तो 35 से 40 किलोग्राम बीज दर पर हेक्टेयर काम में लेते हैं। चावल की दो प्रकार की प्रजातियां उगाई जाती है, ओराइजा ग्लोबेरेमा जो दक्षिणी अफ्रीका में उगाते हैं, इतना ध्यान रखना, और ज्यादातर ओराइजा सेटाइवा उगाते हैं, और ओराइजा सेटाइवा की भी अलग अलग प्रजातियां होती है। इसमें इंडिका कहां उगाते हैं, इंडिया के अंदर, यह ध्यान रखना है। जेपोनिका कहां उगाते हैं, जापान में, और जवानिका कहां उगाते हैं, इंडोनेशिया में, इतना अपने को यहां पे ध्यान रखना है, इसके अलावा ध्यान नहीं रखना है। ब्लूमिंग तापक्रम कितना है, 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्लूमिंग का अर्थ है पुष्पन से संबंधित, इसका अर्थ निकलता है। हल्की अम्लीय मृदाएं इसके लिए बेस्ट मानी गई है, चावल हो गया, चाय हो गया, आलू हो गया, इसके लिए जो है आपकी अम्लीय मृदाओं की आवश्यकता होती है, अम्लीय मृदाओं में आसानी से होती है। इसके बाद ऋतुओं के आधार पर इसको आस अमन बोरो बोला गया है, तो कई बार पूछ लेते हैं असमन बोरो की बुआई कब करते, तो इसको याद रखने की ट्रिक है मजनू सनम यानी बुआई, सनम यानी कटाई, तो सनम को सनमा भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्च आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने देश में सबसे ज्यादा भारत में किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो 84% एरिया है किसका, अमन, तो अमन जो चावल उगाते जो खरीफ के अंदर अपन चावल उगाते वह एरिया भारत के अंदर ज्यादा है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा चावल जो है अमन चावल अपने देश के अंदर उगाया जा रहा है, जो जून माह में बुआई करते हैं और कटाई इसकी नवंबर माह में करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी किस्मों की ओर, तो इसमें सबसे पहली बोनी किस्म है ये आपकी TN1 है, इसके बारे में इतना ध्यान नहीं रखना है। IR8 जो है विश्व में अधिक उपज देने वाली किस्म है, इसीलिए इसे विश्व का जादू चावल कहा है। इसके बाद इसमें जो है बोनेपन का जेन डीजी हुजेन है, और ये सारी चीजें नहीं ध्यान रखनी आपको। इसके बाद डीजी हुजेन का अर्थ क्या होता है ये भी ध्यान नहीं रखना है। जया जो होता है भारत की आधुनिक अधिक उपज देने वाली जो है किस्म के रूप में जानी गई, इसे भारत का जादुई चावल कहा गया, ये ध्यान रखना है। जगन्नाथ जो है इसकी पहली उत्परिवर्तित किस्म है, इसके अलावा आपको ध्यान यहाँ पे नहीं रखना है। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो NORIN 8 और NORIN 18 जो है चावल की किस्में है, क्योंकि NORIN 10 जीन जो है वह गेहूं का है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद बासमती चावल का आपको ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद आपको जो है ब्लाइट प्रतिरोधी भी ध्यान नहीं रखना है। बीज दर छिड़कवा विधि में 100 किलोग्राम लेते हैं, संकर चावल की जो है 15 किलोग्राम बीज दर काम में ली जाती है, और SRI विधि में 5 किलोग्राम कितने लेते हैं, 5 किलोग्राम बीज दर पर हेक्टेयर ली जाती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। चावल की खेती अपलैंड खेती यानी जब पडलिंग नहीं होती है, नर्सरी विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 हेक्टेयर की नर्सरी के लिए कितना क्षेत्र चाहिए एग्जाम में पूछा जाता है, 1000 मीटर स्क्वायर यानी 1/10 एरिया जो है इसका नर्सरी का चाहिए। इसमें पौधे जो है 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, गिली क्यारी में 20 से 25 दिन में पौधे तैयार हो जाती है, नर्सरी क्षेत्र वही 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी चाहिए। डेपोक विधि जो मनीला फिलीपींस से विकसित हुई है 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया इसमें चाहिए, और इसमें पौध तैयार होने में जो टाइम लगता है वो 11 से 13 दिन लगता है, और इसके बाद इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं मुख्य खेत में रोपाई के लिए 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं, ये ध्यान होना चाहिए, और प्रति मीटर स्क्वायर 3 किलोग्राम बीज दर को काम में इसमें लिया जाता है। 35 दिन से अधिक पौध हो जाए तो उसको रोपाई के लिए काम में नहीं लेते हैं। ले युक्त या पडलिंग का अर्थ होता है कि पानी भर के फिर उसमें जुताई करना ताकि उसमें नमी जो है या पानी जो है नीचे की तहों में नहीं जाए, NPK में आपको बता चुका हूँ। और धान के लिए सबसे बेस्ट जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है वो कौन सा है, अमोनियम सल्फेट है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। और अमोनियम सल्फेट का उपयोग कौन से जोन में करते हैं, अपचित क्षेत्र में रिड्यूस जोन के अंदर किया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद चावल एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में और अमोनिया दोनों के रूप में ग्रहण करती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद एजोला क्या है, एक प्रकार की जलीय फर्न है जिसका उपयोग जो है चावल के अंदर जो है अपन क्या करेंगे कि नत्रजन के स्थिरीकरण के लिए इसको काम में लेते हैं। नीलहरित शैवाल का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। चावल के खेत में 2 प्रकार के जोन बनते हैं, ऊपरी जोन जो होता है 1 से 10 सेंटीमीटर वो ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और उसके नीचे वाला जोन जो होता है वो रिड्यूस जोन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। बुरी खाद में क्या करते हैं, डेचा को जो है अपन चावल के बीच में लगाते हैं और कुछ समय बाद उसके ऊपर जो है कोई जो आपका खरपतवार नाशी है जैसे 2,4-D है उसका छिड़काव कर देते हैं, तो डेचा जो है वह सूखने लगता है और अंत में सूखकर खेत में मिल जाता है और भूरे रंग में परिवर्तित हो
जाता है और उससे खाद जो प्राप्त होती है उसे बुरी खाद कहते हैं, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। तो बुरी खाद चावल में की जाती है। सिंचाई की बात करें तो इसकी जलमांग 900 से 2500 ppm है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रांतिक अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट बूटिंग अवस्था है जो आपको ध्यान रखना है। अनाज उत्पादन हेतु कितना पानी चाहिए ये कोई नहीं पूछेगा। बूशनिंग एक खरपतवार नियंत्रण का तरीका है। खड़ी फसल में बीच में से कतारों में से जो आपके खरपतवार हटाने की क्रिया है उसी को बूशनिंग कहते हैं। और इसमें जो है नकलची खरपतवार सावा घास या बार्नार्ड घास जिसका नाम है इकाइनोकोला क्रूस गेली, इसके अलावा कोलोनम जो है जंगली धान कहलाता है, आइकोन या क्रेसिपस जलकुंभी का भी प्रकोप इसमें देखा गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शाकनाशी है प्रोपेनिल या स्टाम्प F34 जो POE के रूप में काम में लेते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ब्यूटाक्लोर और बेंथ्यूकार्प का उपयोग राजस्थान के अंदर जो है चावल की फसल के अंदर किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। SRI मेथड सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो इसका प्रश्न ये आता है ये कहाँ से विकसित हुआ है, तो मेडागास्कर नामक स्थान से ये विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। इसमें बीज दर कितनी लेते हैं 5 किलोग्राम लेते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। पानी की आवश्यकता इसमें बहुत कम होती है, 1571 लीटर ही पानी चाहिए, बाकी नॉर्मल चावल में 5000 लीटर पानी चाहिए आपको। इसमें 2 पत्ती अवस्था पर अर्थात 8 से 12 दिन पर इसमें पौधे की रोपाई कर दी जाती है। उसके बाद ये हो गया कुछ पॉइंट्स जो अपने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद इसके सेकंड वन पार्ट को अपन यहाँ पे ओपन करते हैं और सेकंड वन पार्ट जो है अपना क्रॉप प्रोडक्शन का वो अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो क्लास में आपको कैसा लग रहा है जल्दी से आप कमेंट करते रहें, तब तक सेकंड पार्ट खुल जाएगा। कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जल्दी से बताएं। तब तक जो है अपन यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है अपन यहाँ पे ओपन कर जाएंगे। यस फोर्थ वन यस सेकंड पार्ट आपके सामने आने वाला है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग नमस्कार, कैसे हो आप सारे लोग। थोड़ा टाइम अपन आज चुक गए हैं तो आजकल मुझे लगता है टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो अपने सामने बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आप सुबह बता रहे थे शायद वैसी प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है। कोई बात नहीं, चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बात करते हैं खेरा रोग की। खेरा को और क्या कहते हैं, आयरन रस्ट के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर YL नैने ने इसकी खोज की थी, पंतनगर में की थी, जिंक की कमी की वजह से होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद उपज जो होती है इसकी 40 से 45 क्विंटल होती है। धान का जो छिलका होता है उसमें 38% सेलुलोज होता है, 32% लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है, यानी जलाने के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसके केस में देखते हैं तो धान के छिलके में 22% राख और ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी। इसमें 95% सिलिका होती है और उच्च सिलिका का कारण यह उपयोग अपघर्षक के रूप में करते हैं। बाद में धान के छिलका उपयोग बॉयलरों भट्टियों घरेलू उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो ये एक बार प्रश्न आया था उसमें आपके पशुपालन के अंदर JET के अंदर प्रश्न आया कि किसके छिलके में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये लाइन ने दी हुई है कि धान का जो छिलका होता है, चावल का जो छिलका होता है उसमें सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने लाइए। चावल की चोकर जैसे मुर्गियों को खिलाने के लिए काम में लेते हैं, मुर्गियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। चावल चोकर का तेल भी निकाला जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गामा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पार बॉइलिंग एक प्रकार का उष्मा उपचार है जिसमें जो है विटामिनों को कंजर्व किया जाता है, इस ये भी इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पॉलिशिंग बुरे चावल में चोकोर की परत को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए। और ये जो इसके चावल के उत्पाद कौन कौन से, पर्ज डाइट, पुप्ड राइस, प्रोप्ड राइस, ये इतना कोई खास नहीं है आपके लिए क्योंकि आप सुपरवाइजर के एग्जाम दे रहे हो, इतना ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि चावल के किण्वन से फर्मेंटेशन से कुछ उत्पाद प्राप्त करते हैं अपन, जैसे इडली का नाम आपने सुना होगा, ये सफ़ेद रंग की होती है चावल, वह बिना छिलके उड़द की दाल से बनाया जाता है। इडली सांभर का नाम तो सुने होगा, डोसा भी आपने खाया होगा, तो डोसा भी चावल का बनता है। चावल और दलहन का 6:1 या 10:1 में मिलाकर डोसा बनाया जाता है, तो इडली हो गया, डोसा हो गया, तो ये भी अपन देखते रहते हैं। इसके बाद चावल के नासिक कीट में सबसे इंपॉर्टेंट कीट आता है चावल का पीला तना छेदक, जो पीला तना छेदक इसका मुख्य कीट माना गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये इसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम और ये संग मंग आपको इतना ध्यान नहीं रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चावल का एकल पक्षी कीट माना गया है, सिर्फ चावल को नुकसान पहुंचाता है और नवजात पौधे में तो यह डेड हर्ट करता है, मृत हृदय लक्षण उत्पन्न करता है, पुराने पौधों में सफेदी ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। चावल में फड़के का भी प्रकोप होता है। इसके अलावा BPH नीला पर्वता लुगेंस का भी प्रकोप वहां पे देखने को मिलेगा, इसके कारण जो होपर बर्न लक्षण उत्पन्न होते हैं वो ग्रासी स्टंट रोग होता है, उसका वाहक होता है कौन, BPH होता है। चावल का हरा पत्ती पुतका यानी GLH काफी इंपॉर्टेंट है, किस केस में, टुंगरो रोग का वाहक होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। गंदी बग जो होती है गंदी सी बदबू आती है खेत में इसके प्रकोप से, और दूधिया अवस्था पर इसका प्रकोप सर्वाधिक होता है। कौन सी अवस्था पर प्रकोप होता है, दूधिया अवस्था पर इसका प्रकोप जो होता है चावल के खेत में ज्यादा होता है। गोलमिज का केस ध्यान नहीं रखना है, वैसे इसके प्रकोप से तनवड़ा सिलवरी हो जाता है,
देन हिस्पा का भी इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चावल का परजीवी के बारे में या थ्रिप्स के बारे में इतना अक्सर ध्यान रखना है कि ये चावल की नर्सरी का कीट है। पौधे की शुरुआती अवस्था में सर्वाधिक नुकसान इसे होता है। भंडारण के कीट में इसमें एक तो चावल की सलभ आती है जो ट्राइकोग्रामा के मल्टीप्लीकेशन के लिए भी अपन इसको काम में लेते हैं, और चावल की एक विविल है, बस इसमें इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद बात करते हैं, ये नेक्स्ट वन भी आपको ध्यान नहीं रखना है। रोगों की बात करते हैं, इसमें आता है चावल का झुलसा, राइस ब्लास्ट, ये रोग कारक ध्यान रखना है। पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से यह रोग होता है। इसमें पत्ती पर भी ब्लास्ट होता है, नेक पर भी ब्लास्ट होता है। फोरकास्टिंग के लिए इपिब्ला नाम का एप डेवलप किया गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोग होता है भूरी पत्ती धब्बा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक की वजह से होता है। और इस भूरी पत्ती धब्बा की वजह से कौन सा अकाल पड़ा, बंगाल का अकाल पड़ा, क्योंकि बंगाल में बहुत सारा चावल इससे नष्ट हो गया था। इसके बाद जीवाणु अंगमारी जिसे BLB कहते हैं शॉर्ट में, बैक्टीरियल लीप ब्लाइट जो जेंथोमोनास ओराइजी की वजह से होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है उकठा होना या क्रेशेक, ये एग्जाम में पूछते हैं कि क्रेशेक लक्षण किससे उत्पन्न होता है, तो BLB के अंदर होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चावल का टुंगरो रोग जो होता है विषाणु से होता है, दो प्रकार के विषाणु होते हैं, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म और राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस, दो प्रकार के वायरस की वजह से होता है। और इसमें वाहक जो होता है वो GLH होता है, जो आपको ध्यान रखना है। उफरा रोग होता है, एक सूत्रकर्मी से होता है, यही आपको ध्यान रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन फसल आती है मक्का। मक्का का वानस्पतिक नाम जो होता है वो जियामेज होता है, ग्रेमिनी कुल से संबंध रखती है, मेक्सिको इसका उत्पत्ति स्थल है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद इसका नर पुष्प जो होता है टेसल होता है, यानी ये पहले बन जाता है, इसी वजह से इसमें अपन कहते हैं प्रोटो एंट्री कंडीशन पाई जाती है। और उसके बाद टेसल सिल्क बनता है जो इसका मादा पुष्प होता है। इसकी प्रोटीन 10% होती है जो जीन के नाम से जानी जाती है, जिसमें ट्रिप्टोफेन व लाइसिन की कमी पाई जाती है। इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जितने भी ज़्यादा हाइट वाले पौधे हुए सारे C4 में आते हैं, बाकी C3 में आते हैं, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये C4 की श्रेणी में आएंगे, गन्ना हो गया। देन इसके बाद बात करें अपन इसमें, तो इसका मक्का का पूर्वज टीओसिनाइट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है इसके मक्का के दानों में तेल कितना होता है, 4% होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मक्का में कभी भी कल्ले नहीं फूटते जैसे गेहूं और जौ के अंदर फूटते, मक्का में नहीं फूटते, ज्वार में नहीं फूटते, बाजरे में नहीं फूटते। OPEC2 जीन HQPM बनाने के लिए OPEC2 और FLORI2 जीन का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता अगर किसकी होती है तो ये मक्का की होती है, और मक्का भारत की तीसरी मुख्य फसल मानी गई है। मक्का अपने भारत की तीसरी मुख्य फसल मानी गई है, पहली है चावल, दूसरी है गेहूं और तीसरी है मक्का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। मक्का का सर्वाधिक उपयोग भारत में मुर्गियों को खिलाने के लिए मुर्गी आहार के रूप में हो रहा है, और विश्व के अंदर मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, USA है, अमेरिका है, ये भी अपने को थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। प्रोटो एंट्री कंडीशन पाई जाती है क्योंकि नर पुष्प इसमें पहले बन जाते हैं, इसीलिए यह जो होता है परपरागित फसल के रूप में जाना गया, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद कोई सी भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मक्का के वर्गीकरण की बात करते हैं, सबसे पहले आता है फ्लिंट कॉर्न, जिया मेज, इंडूराटा यानी भारत में उगाते हैं, इसे पीली मक्का कहते हैं। देन आता है डेंट कॉर्न, डेंट यानी दांत जैसी संरचना, और डेंट में इसके वैज्ञानिक नाम में भी क्या आएगा, डेंट शब्द आपको मिलेगा, जिया मेज इंडेंटाटा जो USA में उगाते हैं, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉपकॉर्न जो छोटा सा होता है लेकिन अगर गर्म करते तो फूल जाता है, जिया मेज अवर्टा होता है, पॉपकॉर्न तो आपने खाए होंगे। इसके बाद सॉफ्ट कॉर्न ध्यान नहीं रखना है, स्वीट कॉर्न ध्यान रखना जो मीठा लगता है, जिया में सेकेराटा, सेकेराटा जैसे सेकेरम ओपिसिनेरम किसका नाम है, गन्ने का नाम है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सेकेराटा है, जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें तो पोडकॉर्न जो प्राचीन किस्म का मक्का जो है उसे पोडकॉर्न के नाम से जाना है। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन इसमें बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है आपके सामने HQPM। HQPM का कॉन्सेप्ट जो था हाई क्वालिटी प्रोटीन में, यानी मक्का के प्रोटीन के अंदर ट्रिप्टोफेन और लाइसिन नहीं होता है, इस चीज़ को एसके वसल और ई विलेगस ने देखा, और सीमेंट मेक्सिको में इन्होंने OPEC2 जीन को काम में लेके HQPM विकसित किया था। और इस HQPM में क्या हुआ, ट्रिप्टोफेन और लाइसिन जो है उपस्थित हो गए और प्रोटीन का परसेंटेज भी 16 हो गया, इसीलिए उसको HQPM बोला है। इसके लिए एसके वसल को विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया है। यहाँ पर इसके कुछ किस्म हैं, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, ये सारी HQPM की वेराइटियाँ हैं। इसके बाद एकल संकरण तकनीक ईस्ट व सल ने दी थी, सबसे पहले संकर मक्का की प्रकलना भी इन्होंने दी। द्विसंकरण तकनीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारत में इसी तकनीक से जो है मक्का की संकर किस्में विकसित की जा रही है, DF जोन्स के द्वारा यह किस तकनीक दी गई है। त्रिपद संकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जलवायु इतनी को खास नहीं है, जो आपको इतनी ध्यान नहीं रखनी है। स्थानीय किस्मों में इसकी मालन किस्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में संकर किस्में 1961 में विकसित की गई, पहली किस्में गंगा 1, उसके बाद गंगा 101, डेक्कन और रंजीत भी उसी समय विकसित की गई, लेकिन सबसे पहली जो मानी जाएगी वह गंगा 1 मानी जाएगी। गंगा सफ़ेद 2 जो द्विसंकरण से विकसित किस्म है, इसका भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। संकुल किस्में या कंपोजिट किस्में जो 1967 में विकसित हुई है, विक्रम विजय अंबर, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं कि पॉपकॉर्न में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वीट कॉर्न की एक वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है माधुरी, जो संकुल किस्म के रूप में जानी गई है, जिसमें फेरुलिक अम्ल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इसके चारे वाले किस्मों के रूप में अफ्रीकन टोल जानी गई है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन जो आपको बेबी कॉर्न की ध्यान नहीं रखना है, बुआई वही जून जुलाई, इसके बाद इसकी बीज दर ध्यान रखना है, संकुल मक्का की बीज दर 18 से 20 और संकर की जो बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर लेते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ज्यामिति आपको ध्यान रखना है, खरीफ में 60x25 लेते हैं और रबी में जो है 60x18 लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद इसकी पौध संख्या खरीफ में 66,666 और रबी में 92,592, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उर्वरक का केस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कार्य की विकार में बात करते तो सफेद कली का रोग व्हाइट ब्लड सिम्टम होता है, ये किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी की वजह से होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे देखते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण की यहाँ पे बात करते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण में यहाँ पे चौड़ी पत्ती के लिए अपन एट्राजिन को काम में लेते हैं और सक्रिय पत्ती के लिए अपन एलाकोलोग को काम में लेते हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार के खरपतवार तो एट्राजिन और एलाकोलोग को मिला देंगे या फिर सीमाजिन जो गन्ना और मक्का में काम में लेते हैं, और आजकल जो नया जो शाकनाशी आ रहा है वो टोप्रामेजोन या टेम्बोट्राइन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी जो है 50 ग्राम मात्रा पर हेक्टर काम में ली जाती है, ये आपको यहाँ पे मक्का के केस में ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं उपज की, इसकी यील्ड पोटेंशियल ज़्यादा होती है लेकिन वास्तविक उपज इसकी बहुत कम प्राप्त होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रबी मक्का वैसे राजस्थान भारत के अंदर बिहार के अंदर उगाते हैं, राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर उगाया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी एक लक्ष्मी किस्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसकी बीज दर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। इसके बाद बात करें तो फॉल आर्मीवर्म इसका एक नया कीट है, स्पोरोप्टेरा फर्जीपटा, और इसके बात करें तो इसका मूल स्थान अमेरिका से ही, इतना ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि एक विदेशी कीट है, भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, भारत में इसकी एंट्री हुई है विदेशों से, और सर्वप्रथम अगर भारत में देखा जाए तो मई 2018 के अंदर जो है फॉल आर्मीवर्म का अटैक जो है भारत के अंदर हुआ है। ये ग्रेमिनी कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाता है और उसमें भी मुख्यतः नुकसान किसको पहुंचाता है, मक्का की फसल को पहुंचाता है, और मक्का में पोटे वाले बाग में खाना पसंद करता है और उसको नुकसान पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी लक्षण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा का जो है अंडा परजीवी का उपयोग अपन कर सकते हैं, कीटनाशक के रूप में इमामेक्टिन बेंजोइड का छिड़काव कर सकते हैं 200 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से 0.4 ग्राम पर लीटर पानी में। मक्का तना छेदक मक्का का एक महत्वपूर्ण कीड़ा माना गया है काइलोपाटिलस, जो मक्का के तने में प्रवेश करके अंदर तने इसको खोखला कर देता है, जिसे अपन मृत हृदय लक्षण या डेडहर्ड के नाम से जानते हैं। तना छेदक केस में डेडहर्ड लक्षण कोज होते हैं, यह आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, खरीफ में फड़का का भी प्रकोप अपने को देखने को मिलेगा, टिड्डी का भी प्रकोप देखने को मिलेगा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शत्रु माना गया है, जहां पे भी टिड्डी बैठती है वहां पीछे फसल को नहीं छोड़ती है, और रेगिस्तानी टिड्डी जिसका नाम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ये तो अपने को पता होना चाहिए, जो अपने राज्य में पिछले कई समय से प्रवेश कर रही है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है अपने राज्य के अंदर हो रहा है, बहुभक्षी होती है, एक साथ समूह में जाती है, झुंड में जाती है और फिर नुकसान पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसमें रोग होने वाले, तो सबसे पहले राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू, जिसका रोग कारक है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा हेटेरोपोगोनी नामक कवक से यह रोग होता है, और इसके नियंत्रण के लिए अपन जो है मेटालेक्सिल का प्रयोग आपको करना चाहिए। मेडिस लीप ब्लाइट नाम का भी रोग मक्का में होता है, जो बाइपोलारिस मेडिस नामक कवक से होता है, बस इतना से ध्यान रखना है। इसके अलावा बैंडेड लीफ एंड शीत ब्लाइट भी जो है मक्का में होने वाला एक रोग है, जो राइजोक्टोनिया नामक कवक से होता है। इसके बाद पुष्पन के बाद डंडल सड़ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको ध्यान नहीं रखना है। ज्वार जिसका वनस्पतिक नाम जो होता है सोर्गम बाइकलर होता है, ग्रेमिनी कुल की यह फसल है, यह पर परागण इसमें पाया जाता है, प्रोटोगाइनी प्राय पर परागण इसमें पाया जाता है प्रोटोगाइनी की वजह से। इसके बाद अपन इसमें बात करें तो इसकी मेल स्ट्राइल लाइन CK60 कंबाइंड केफिर 60 है, ये आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद इसको पानी की कम आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे कैमल क्रॉप या ऊंट फसल के नाम से जानते हैं, मोटे अनाजों का राजा भी इसे कहा गया है, ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। इसके अधिक प्रयोग से पेलाग्रा नाम का रोग होने की संभावना रहती है, इसके अधिक कंजप्शन की वजह से। इसके बाद बात करें ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड की, बात अपन ने कर ली, और छोटी अवस्था में इसमें SCN या धुरीन या प्रूसिक अम्ल बनता है, इसलिए कहते हैं पशुओं को इसको छोटी अवस्था में नहीं खिलाना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद प्रूसिक अम्ल के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं रखनी है, क्योंकि इतना सारा कोई नहीं पूछेगा आपको। पहली संकर किस्म CSH1 है, जो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट वन, तो इसकी जो नेक्स्ट वन जो किस्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है आपकी, तो CSV17 जो बोर्नी और संकुल किस्म मानी गई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा कोई वैरायटी आपको ध्यान नहीं रखनी। वैसे मीठी वैरायटी में राजस्थान स्वीट सोरगम वैरायटी RSSV के नाम से वैरायटियाँ इसकी आती है, जो भी थोड़ा बहुत ध्यान आपको होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी जो चारे वाली किस्में जिसकी बहु कटाई की जा सकती है, इसमें SSG 59-3 मिट्टी सूडान जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसके वृद्धि का तापमान 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी आपके सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसकी बीज दर दाने के लिए 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर आपको काम में लेनी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है।
उसके बाद अपन इसमें देखते हैं पोत ज्यामिति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेडी रटून ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसमें जो खरपतवार की मुख्य समस्या रहती है वो अस्टाइगा की रहती है, और जो अर्ध जड़ परजीवी है और अस्टाइगा जो होता है इसमें सुसाइडल जर्मिनेशन यानी आत्मघाती अंकुरण इसके अंदर पाया जाता है। इसमें किस प्रकार का अंकुरण होता है, सुसाइडल अंकुरण पाया जाता है, क्योंकि स्ट्राइगोल अगर इसको नहीं मिलता है परपोषी पौधे से तो इसके बीजों को अंकुरण नहीं हो पाता है। उपज आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखनी, ज्वार का मुख्य कीट है ज्वार की तना मक्खी, जो शुरुआती अवस्था में एथेरिकोना सोकाटा मृत हृदय लक्षण उत्पन्न करता है। प्रारंभिक अवस्था में शुरुआती अवस्था में इसका नुकसान होता है, एक महीने तक इसका नुकसान होता है, उसके बाद इसका नुकसान आपको ज्वार की फसल में नहीं दिखाई देगा। इसके नियंत्रण के लिए फिशमील ट्रैप का प्रयोग करना है, अगेती बुवाई आपको करनी है। इसके बाद एक महीने बाद जो ज्वार की फसल में कीड़ा नुकसान पहुंचाता है उसका नाम है तना छेदक काइलो पार्टेलस, और जो कौन सा लक्षण कोस करता है डेड हर्ट या मृत हृदय लक्षण पता करता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ज्वार में ईयर हेड बग का प्रकोप होता है, जो बग यानी कि जो क्या करती है उसकी बाली से रस चूसने का काम करती है। ज्वार मिर्च का भी प्रकोप होता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद रोगों में बात करते हैं तो अर्गट रोग बनता है, अर्गट क्लेविसेप्स सोर्गी का सोर्गी नामक कवक से होता है। इसमें क्या होता है पुष्प से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्गेटिन या अर्गोटोक्सिन इसमें एक विषैला पदार्थ होता है। कणवा रोग जिसमें दाने क्या होंगे काले रंग के पड़ जाएंगे, ये आपको ध्यान ही है। इसके बाद अपन इसमें देखते हैं अनाज का मोल्ड भी इसमें होता है, इसके अलावा लाल सड़न रोग भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं बाजरा, बाजरा का नाम है पेनिसेटम ग्लूकम ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल की फसल है। इसके बाद यह भी पर परागण होता है क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी कंडीशन आपको देखने को मिल गई। इसकी मेल स्टाइल लाइन टिप 23A है, ये आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद परीक्षण बार वही 5 ग्राम, मैंने कहा था 5 इस केस में बहुत बार आता है, वसा के केस में आता है, बीज दर के केस में आता है, परीक्षण बार के केस में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वसा 5% होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाधिक होती है। इसे गरीबों का भोजन भी कहा गया है, ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक सूखा सहनशील फसल है, दूसरे नंबर पर इसमें ज्वार आता है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन कहीं हो रहा है तो राजस्थान के अंदर जो है बाजरा सर्वाधिक उत्पादित हो रहा है। स्वसिंचित फसल है, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए इसके इतने पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद बात करें इसकी पहली संकर किस्म जो है आपकी HB1 है। इसके बाद इसकी अन्य किस्मों की बात करें तो ERS मंडोर से एक किस्म निकली, MPMS सीरीज की किस्म जो है ERS मंडोर से निकाली गई है, ये आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो अपन बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन चारे वाली फसलों के केस में कोई भी वैरायटी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखनी है। बीज दर इसकी 5 किलोग्राम पर हेक्टर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। RD गौतम में बाजरे में नर्सरी के बारे में RD गौतम ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। पर्णी छिड़काव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंचाई प्रबंधन इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खरपतवार नाशी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उपज भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नासिक कीट के केस में बात करें तो कातरा का प्रकोप जो है खरीफ फसलों के अंदर सर्वाधिक होता है, खरीफ में बहुत ज़्यादा कातरा सक्रिय रहता है और फसलों को खरीफ फसलों को सर्वाधिक नुकसान इससे होता है। तना मक्खी का प्रकोप भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बाजरे में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। बाजरे का मुख्य रोग जो है मर्दू रोग में लासिता है, बाजरे का हरित वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है, इसका रोग कारक एग्जाम में पूछा जाता है, एस्क्लेरोस पूरा ग्रेमिनिकोला आपको याद रखना है। यह अविकल्पी परजीवी खरपतवार परजीवी रोग है, रोग कारक है, क्योंकि इसी फसल में होता है, किसी और फसल में इसका नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत में इजे बटलर ने खोजा, इसलिए इनको भारत में पादप रोग विज्ञान का पितामह के रूप में भी जाना जाता है। हरित बाली अवस्था, बाली हरी रह जाती है और पौधों की निचली सतह पर आपको कवक की वृद्धि मिलती है। मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेव यानी डिडोमिल का छिड़काव इसके लिए करना चाहिए। इसमें भी अर्गट रोग होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से होता है, और इसमें भी क्या होगा सीटे से चिपचिपा पदार्थ इस रोग में भी स्रावित होता है। इसमें स्क्लेरोसिया बनते हैं जो मर्दा के अंदर पड़े रहते हैं, काले रंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। इसमें इस रोग की कमी के लिए कॉपर के प्रकोप से, कॉपर अगर मर्दा में है तो इस रोग का प्रकोप कम होगा। इसी प्रकार से क्लोराइड अगर मर्दा में है तो बाजरे में डाउनी मिल्डू या हरित वाले रोग का प्रकोप कम होता है। अंजन घास भी इसका रोग कारक जिंदा रहता है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं छोटे दाने वाले तो रागी फिंगर मिलेट का नाम है इल्यूसिने कोराकाना है, ये आयरन का प्रचुर स्रोत होता है। इसके बाद प्रोसो मिलेट है चेना जिनका नाम है पेनिकम मेलिएशियम, क्योंकि आप जानते हो कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया है, मिलेट्स वर्ष माना गया है, श्री अन्न वर्ष माना गया है, तो कुछ छोटे मिलेट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी अपने को ध्यान हो तो ठीक रहता है। ये बीज दर ध्यान नहीं रखनी। सावा या बांडार्ड मिलेट जिसका नाम है इकानोकुलवा फ्रुमेंटेशिया, देन कोडो मिलेट जिसका नाम है पास पोलम अस्काएबुलम, ये रक्त का शुद्धिकरण करता है और सभी खाद्यान्नों में मोटा होता है। इन मिलेट्स के अंदर सबसे मोटा जो होता है वो कौन होता है, कोडो मिलेट होता है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी भी कोडो मिलेट ही होता है। देन कंगनी का नाम सुना होगा इसका वानस्पतिक नाम सेटिडिया एटेलिका होता है। इसके बाद कुड़की इसका नाम होता है पेनिकम सुमेट्रेंस होता है, तो इसके सामान्य नाम ही ध्यान रख लेना आप, तो है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। दलहनी फसलों में खरीफ दालों में गुणसूत्र इतने ये आपको नहीं पूछेगा कोई भी, गुणसूत्र क्रोमोसोम इस केस में नहीं आएगा, आपके लिए आएगा अंकुरण कैसा होता है, तो EPGL यानी बाहर की सतह पर, और ज़्यादातर यह किस में होता है, ज़्यादातर अपन बात करते हैं तो खरीफ दालों में इस प्रकार का अंकुरण होता है। अपवाद अरहर,
इसके बाद हाइपोजल किस में होता है, ज्यादातर रबी दालों में होता है, अपवाद राजमा, ये आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वन इसमें अपन देखते हैं कि उदाहरण आपको ध्यान में रखने, प्रोटीन का प्रचुर स्रोत माने गई है, मिथुनिन नाम का जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है इसकी कमी इसके अंदर पाई जाती है, जड़ों में गांठें पाई जाती है जो नत्रजन स्थिरीकरण करने के लिए काम में आता है, नोड जीन इनकी गांठों में पाया जाता है जो जड़ों गांठों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, निफ जीन इसके अंदर होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सभी दालें लेग्यूम हो सकती है लेकिन सभी लेग्यूम जो होती है वह दालें हो ये पॉसिबल नहीं है। अरहर जिसका वैज्ञानिक नाम केजानस केजान होता है खरीफ ऋतु की फसल है, लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आती है, प्राय परपरागित फसल के रूप में ये जानी गई है जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अन्य नाम रेड ग्राम पीजन पी कोंगो पी या अरहर के नाम से जाना गया है इसको। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अरहर अरहर जिसे बोला गया है केजानस केजान वेरायटी बाइकलर और तुअर जिसे बोला गया है केजानस केजान वेरायटी फ्लेवर्स बोला गया है। उत्तरी भारत में अपन जो उगाते हैं वह अरहर है और दक्षिण भारत में जो उगाते हैं वह तुअर है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो अंकुरित दालें होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें से कोई भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किस्मों में बात करें तो सबसे जल्दी पकने वाली किस्मों में नाम आता है प्रभात, जो सबसे जल्दी पकने वाली किस्म के रूप में मानी गई है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। उपास 120 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद इसकी पहली संकर किस्म ICPH-8 के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए जो हैदराबाद से विकसित की गई है। उसके बाद ICPL-87 या प्रगति जो इसकी इंटरक्रॉपिंग के लिए बेस्ट वैरायटी मानी गई है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बुआई का समय जून जुलाई, ये अक्सर पूछ लेते हैं कौन से ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है, इसकी बीज दर 12 से 15 किलोग्राम, जीरे के भी बीज दर यही लेते हैं अपन। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं तो क्रांतिक अवस्थाएं और खरपतवार नियंत्रण इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, कटाई गुणांक जो होता है वह सबसे कम होता है, यह आपको यहां पर ध्यान रखना है। उकठा रोग की समस्या इसमें रहती है, यह आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद ये हो गया अरहर के बारे में। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वन थर्ड वन पार्ट की ओर। आपको क्लास कैसी लग रही है जल्दी से अपना कमेंट करें, अपन आगे बढ़ते हैं। अपन जो है दलहनी फसल में अरहर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन नेक्स्ट वन क्रॉप की ओर बढ़ेंगे। जब तक स्लाइड ओपन हो तब तक जो है आप कोई कमेंट कर दीजिए कि कैसा लग रहा है, कहीं नींद तो नहीं आ गई है आपको। यस थर्ड वन क्रॉप, यस आपके सामने स्लाइड ओपन हो चुकी है और अगली क्रॉप आ चुकी है मूंग और उड़द की, यहाँ पे बात होगी। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, कहाँ गए वो सारे, हो गए क्या? चलो नेक्स्ट वन जो आ रहा है आपके सामने यहाँ पे वो आ रहा है मूंग और उड़द की बात हो रही है। मूंग जिसे ग्रीन ग्राम बोला गया है, उड़द जिसे ब्लैक ग्राम के रूप में जाना गया है। तो मूंग का नाम है विग्ना रेडिएटा, उड़द का नाम है विग्ना मूंगो। लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल से दोनों बिलोंग करते, उत्पत्ति स्थल भारत है। मूंग में 25% प्रोटीन होती है, उड़द में 24% प्रोटीन होती है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो दोनों के खरीफ में इसकी बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम, दोनों में 15 से 20 किलोग्राम बीज दर लेते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ज्यामिति आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। किस्मों की बात करें तो इसमें पूसा बैसाखी SML-668 मूंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी। इसके अलावा RMG सीरीज के बारे में ध्यान होना चाहिए, K-851 के बारे में ध्यान होना चाहिए। इसके बाद उड़द की बात करें तो T9 कृष्णा के बारे में ध्यान चाहिए, RBU बरखा के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वैरायटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पंत U19 का भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन वैरायटियां इसमें जो आ रही है इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। NPK आपके लिए इतना कोई खास यहाँ पे नहीं है। सिंचाई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पाचनशील प्रोटीन किसकी होती है, तो मूंग की मानी गई है। कोई भी रोगी है तो उसको मूंग की प्रोटीन या मूंग खाने की सलाह जो है डॉक्टर भी देता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो आपके सामने जो आ रहा है वो आ रहा है आपका मोठ। मोठ जिसका वैज्ञानिक नाम विग्ना एकोनिटी फोलिया है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद चावला जिसका नाम है विग्ना साइनेंसिस है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यस नरेश शर्मा बता रहे हैं अच्छा रिवीजन हो रहा है, ओके। लेग्यूमिनेसी फेबेसी कुल के अंदर ये आते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन चीज़ आपके लिए कोई काम की नहीं है, जो अपन बात कर रहे हैं मोठ और चावला को कंपैरिजन करके बात कर रहे हैं, तो मोठ के केस में जो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसकी बीज दर कितनी है, 10 किलोग्राम है, दोनों खरीफ की फसलें हैं। इसकी बीज दर जो है चावला के 15 से 20 किलोग्राम है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, आपको ज्यामिति ध्यान नहीं रखनी है। जोबनेर से विकसित किस्म इसकी जड़िया और ज्वाला है, ये आपको ध्यान रखनी है। RMO सीरीज जो है राजस्थान मोठ बीन इसकी वैरायटियाँ हैं और इसकी जो चावला की सब्जी है तो पूसा बरसाती, पूसा फाल्गुनी, पूसा ऋतुराज, पूसा तोफासली, ये इसकी सारी सब्जी वाली किस्मों के रूप में जानी गई है चावला की, ये आपको जानकारी होनी चाहिए।
अन्य वेरायटियां आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखनी है, दाना उपज उपज आपको ध्यान नहीं रखनी। खरीफ फसलों में कौन कौन से नासिक कीट लगते हैं, तो सबसे पहला इसमें एफिड का प्रकोप होता है। किसका एफिड का प्रकोप होता है? एफिस क्रासिवोरा का प्रकोप होता है। दूसरा इसमें सफेद मक्खी का प्रकोप होता है, बेमिशिया टेबेसाई का प्रकोप होता है। और तीसरी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फली वेदक का भी प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, हेलिकोरपा आर्मीजेगा का भी प्रकोप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे अधिक जो नासिक कीट अगर खरीफ दलहन के अंदर किसी में नुकसान पहुंचाते तो वह है अरहर। अरहर के अंदर सबसे ज्यादा जो है नासिक कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। वहां पर पोड बग भी मिलता है, पोड बोरर भी मिलते हैं दो चार प्रकार के, तो बहुत सारे कीट वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा खरीफ दलहनी फसलों में जो रोग होते हैं उसमें एक तो रोग आता है आपका उकठा रोग तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है खरीफ दलहनी फसलों में पीलापन की। तो पीलापन जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है, या तो ये विषाणु की वजह से होता है, मोजेक रोग उसमें उत्पन्न हो सकता है, मोजेक विषाणु पित सीरा मोजेक रोग हो सकता है, या फिर होता है आयरन की कमी से। तो आपको बेसिकली दोनों ध्यान रखना है। पित सीरा मोजेक रोग भी की वजह से भी पीलापन देखने को मिलता है, आयरन की वजह से भी कमी देखने को मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं रबी दलहनी फसलों में। रबी दलहनी फसलों में सबसे पहले आता है चना, और चने की अगर अपन बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एरेटिनम नाम है, लेगुमिनेसी कुल के अंदर यह संबंध रखता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चना जो है एक स्वपरागित फसल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान में सामान्यतः मिश्रित खेती, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसकी कर रहे हैं, चना प्लस सरसों की मिश्रित खेती राजस्थान में की जाती है। अगर आप पूछ राजस्थान की परिस्थिति में कौन सी मिश्रित खेती करते हैं तो यह आपको पूछा गया है। यस। इसके बाद बात करें देसी चना जिसका नाम है साइसर एरेटिनम, जबकि काबुली चना साइसर काबुलिकम जिसका बीज थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन, संसार में सबसे ज्यादा एरिया व क्षेत्रफल कहाँ है, भारत के अंदर है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पत्तियों में खारापन होता है, फेलिक और मेलिक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निपिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। शीर्ष भाग को हटाते हैं, पौधा जब 20 सेंटीमीटर या 40 से 50 दिन का हो जाए तो निपिंग करते हैं, टिब्बा नाम का रसायन इसमें काम में लेते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा खेत तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, ढेले युक्त बीज से इसके लिए बेस्ट मानी गई, ये आपको ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो अपन बात करते हैं इसमें ये जो चना व सरसों का जो अनुपात दे रखा है असिंचित क्षेत्रों में, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान में इंटरक्रॉपिंग इसकी करते हैं, 3:1 का रेशियो इसमें रखते हैं। देसी चना की किस्मों की बात करते हैं, जुड़वा किस्म RSG 44 है, उकटा प्रतिरोधी ICC भी 10 वो अवरोधी है, ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद GNG सीरीज की जितनी भी वेरायटियाँ हैं गंगानगर से निकली ये आपकी चने की महत्वपूर्ण वेरायटियों के अंदर आती है। इसके बाद उत्परिवर्तित आपको ध्यान नहीं रखनी, अपर्णा जिसके दाने जो होते हैं हरे रंग के दिखाई देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद काबुली चने में कोई भी वेरायटी आपको ध्यान नहीं रखनी है, बुआई का समय रबी सीजन की फसल है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी बीज दर की बात करें तो देसी चना 60 से 80 किलोग्राम, काबुली चना आकार में बड़ा होता है तो उसकी 80 से 100 किलोग्राम बीज दर काम में लेते हैं। इवन अपन मूंगफली भी पढ़ते हैं तो मूंगफली के केस में भी क्या पढ़ते हैं, 60 से 80 किसके लिए लेते हैं, जो फैलने वाली होती है, और जो आपके बंच वाली होती है उसकी 80 से 100 किलोग्राम बीज दर लेते हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे भी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बुआई की गहराई इसमें ज़्यादा रखते हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, कम गहराई रखने पर उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है, अधिक गहराई रखने पर उकठा रोग का प्रकोप कम होता है, ये ध्यान होना चाहिए। राइजोबियम कल्चर के रूप में राइजोबियम लेगुमिनोसोरम का काम में यहाँ पे लिया जाता है। फर्टिलाइजर दलहनी फसलों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खरपतवार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और खरपतवार नासिक के केस में मैं पहले से बता कर आया हूं कि जिस भी फसल का कुल जो है लेग्यूमिनोसी हो, जिस भी फसल का कुल जो लेग्यूमिनोसी हो, या फिर आपका अंबेली फेरी जैसे सौंफ जीरा धनिया ये सारी हो गई हो, उस केस में अपन PPI के रूप में जो अपन लेते हैं वो लेते हैं फ्लू क्लोरेलिन लेते हैं जो बेसालिन के नाम से मिलता है। देन PE के रूप में अपन वहाँ पे लेते हैं पैंडी मिथेलिन को लेते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देन POE के रूप में यहाँ पे लेना चाहिए इमेजा थाइपर को लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लूक्लोरिलिन और पेंडीमिथेलिन की 750 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। देन इमेजा थाइपर की 75-100 ग्राम मात्रा पर हेक्टर काम में ली जाती है। तो ये बेसिक सी ट्रिक है जो आपको पहले भी बताई चुकी है कई बार क्लास के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेग्यूमिनेसी कुल की जितनी फसलें हैं उसमें खरपतवार नाशक के रूप में इनको काम में लेते हैं। मटर की बात करें इसका नाम है पाइसम सेटाइवम, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी बात है कि भाई चने के अंदर एक मुख्य नाशक कीट लगता है, चने के अंदर जो एक मुख्य नासिक कीट का प्रकोप जो है आपको देखने को मिलता है, और चने का मुख्य नासिक कीट कौन सा है, चना फलीवेदक का प्रकोप चने में ज्यादा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोरपा आर्मीजेरा इसका नाम है, क्लियर। ये उसके फली में छेद करके नुकसान पहुंचाता है, आधा शरीर अंदर आधा बाहर रहता है, बहुत ज्यादा नुकसान चने की फसल में इस केस में होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और दूसरा कीड़ा लगता है इसमें कटवाम, जो पौधे को भूमि की सतह से काटने का काम करता है। इसके बाद रोगों की बात करें तो चने में सबसे इंपॉर्टेंट रोग होता है उकठा रोग, विल्ट डिजीज इसमें होती है, फ्यूजेरियम की वजह से होती है, पौधे की जड़ में इसका प्रकोप होता है। इसके बाद दूसरा रोग जो इसमें होता है एस्कोचाइटा ब्लाइट,
ब्लाइट जो एस्कोचाइटा रेबी नाम के कवक से होता है, ब्लाइटिंग जो है पत्तियों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो उकटा प्रतिरोधी वेराइटी आपको याद है, ICCV 10 और अवरोधी के बारे में अपन ने बात की। उसके बाद बात कर रहे थे अपन मटर की, पाइसन सेटाइवम इसका नाम है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट वन अपन देखते हैं तो लॉन्ग डे बोला गया है क्योंकि रबी की फसल है, रबी की फसल सारी लॉन्ग डे होती है, खरीफ की जो होती है वो आपकी शॉर्ट डे होती है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो मटर का उपयोग भारत में हो रहा है कैनिंग और डिब्बाबंदी के अंदर हो रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। उद्यान मटर, उद्यान मटर जिसे अपन क्या बोलते हैं पाइसन सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस, हॉर्टेंस क्यों बोला है क्योंकि उद्यान मटर है और इसके ऊपर जो है कार्य किसने किया था, मेंडल ने किया था। फील्ड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं प्रेशन और कैनिंग में काम में आता है, जलवायु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेराइटियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है सिल्विया। सिल्विया में क्या करते हैं पूरी फली को खा जाते हैं, अपर्णा इसकी इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है जो भी आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं हरभजन। हरभजन भिंडी की भी वैरायटी है और हरभजन आपके मटर की भी वैरायटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बोनविले इसकी एक निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन वाली वैरायटी है जो आपको ध्यान होना चाहिए। बुआई इसकी रबी में करते हैं। सब्जी हेतु अगेती बीज दर 100 से 120, मध्यम या 75-80 से 90 किलोग्राम बीज दर इसके काम में लेते हैं। बाकी कोई चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है। मसूर की बात करते हैं तो मसूर जिसका नाम है लेंस एस्कुलेंटा, इसका नाम है लेग्यूमिनस कुल के अंदर ये आती है जो आपको ध्यान होना चाहिए। राजमा जिसे किडनी बीन के नाम से भी जानते हैं, फेजोलस वल्गेरस इसका नाम होता है, लेग्यूमिनस कुल के अंदर आता है। ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे नहीं रखनी है कि मसूर और राजमा कुछ कुछ फसलें ऐसी जिसमें बहुत ही कम पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद मसूर की बीज दर भी आपको ध्यान नहीं रखनी है। वैसे राजमा की बीज दर आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, 100 किलोग्राम बीज दर लेते हैं क्योंकि इसके बीज बहुत बड़े होते हैं और राजमा एक आपके रबी सीजन की, ये भी रबी सीजन की फसल है और राजमा में 100 किलोग्राम बीज दर भी लेते हैं और 100 किलोग्राम नाइट्रोजन भी देते हैं क्योंकि इसकी जड़ों में गांठें नहीं होती, साई नोडुलर क्रॉप इसको बोला गया है। वेराइटियों में बात करें तो कौन सी वेराइटी इसकी इंपॉर्टेंट है तो इसमें एक आप तो सपना याद रख लेना, शिवालिक याद रख लेना। राजमा के केस में अगर अपन वेराइटियाँ देखते हैं तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है, कंटेडर हो गया, पूसा पार्वती हो गया, ये दो वेराइटियाँ आप थोड़ी देख लेना। इसके बाद अर्का सुविधा हो गया, इससे ज़्यादा वेराइटी आपको यहाँ पे नहीं देखनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इस केस में मसूर के केस में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें राजमा में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, राजमा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है इसलिए राजमा में 100 से 120 किलोग्राम, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि राजमा में कितना नाइट्रोजन दिया जाता है, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देने का काम करते हैं क्योंकि राजमा की फसल जो होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम नहीं करती है और 100 से 120 किलोग्राम बीज दर भी राजमा के रखते हैं। तो ये दो पॉइंट जो है आपके बार बार आ रहे हैं 100 से अधिक वाले, ये आपको यहाँ पे ध्यान होने चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, खेसारी लेथाइरस की बात करते हैं तो इसका नाम है लेथाइरस सेटाइवस के नाम से जाना गया है, लेग्यूमिनस कुल के अंदर ही आती है, यह भी एक मुख्य फसल है, इसके भी बहुत सारे नाम होता है। सबसे ज़्यादा सूखा प्रतिरोधी फसल यह मानी गई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, यह कोर्स करता है लेथाइरिज्म नाम का रोग क्योंकि इसमें एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम है BOA या दूसरा नाम है बीटा ODAP जिसकी सुरक्षित सीमा कितनी मानी गई है 0.2%, इससे अधिक हुआ नहीं ये एक लेथाइरिज्म नाम का रोग पैदा कर देता है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये किस ऋतु की फसल है तो ये रबी ऋतु की फसल है। इसकी एक वेरायटी है BIO L212 रतन जो सोमाकोनोनल वेरायटी के रूप में जानी गई है, यही आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा इसकी बीज दर या इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखनी है और ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद तिलनी फसलें, तिलनी फसलों में तिल आता है जिसका नाम है सिसेमम इंडिकम, इसका नाम है कुल इसका पेडिलियेसी है जो अपने को ध्यान होना चाहिए। इसको गरीब का घी कहा जाता है और तिलनी फसलों की रानी के रूप में भी इसको जाना गया है जो अपने को ध्यान होना चाहिए। तेल की मात्रा 46 से 54% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, मूंगफली में कितना तेल होता है, कितनी प्रोटीन, सोयाबीन में तेल और प्रोटीन, देन तिल में तेल और प्रोटीन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो इस स्लाइड में आता है, राजस्थान में जो है तिल का प्रोडक्शन में राजस्थान जो है पहले स्थान पर है, पाली का महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। खरीफ ऋतु की यह फसल है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो है इसमें इसकी किस्मों की बात करें, शाखायुक्त किस्म TC25 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, अभी पीछे आ रही होगी। सारी किस्मों की बात करते हैं तो इसकी जो TC25 है जो शाखायुक्त किस्में एग्जाम में आती है, C50 या प्रताप जो शाखा रहित किस्में जो एग्जाम में आती है। इसके बाद आती है RT 351 जो चौगर्दी फलियों, चार फलियाँ इसमें एक साथ बनती है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाती है। सारी सफ़ेद दानों की किस्मों के रूप में जानी गई है। कुछ पॉइंट्स इसके केस में दिए हुए हैं कि सर्वाधिक तेल कौन सा खाया जाता है, मूंगफली का खाया जाता है भारत के अंदर, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सर्वाधिक शर्करा भारत में कौन सी खाते हैं, गन्ना के खाते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं तो तिल में यहाँ पे जो है एक रोग होता है, दैट इज द फाइलोडी रोग। कौन सा रोग होता है, फाइलोडी रोग होता है।
फाइलोडी रोग में पौधा बोना रह जाता है, बोसी अपीयरेंस होती है और यह माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है और इसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह विचेस ब्रूम कहलाते हैं। कौन से लक्षण कहलाते हैं? विचेस ब्रूम। तो माइकोप्लाज्मा की वजह से विचेस ब्रूम लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और इस रोग के केस में जो वाहक होता है वह कौन होता है? लीफ ओपर होता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लीफ ओपर जिसे और क्या बोलते हैं, जेसिड के नाम से जानते हैं, ओरोसिस अल्बिसिंटस इसका नाम होता है। तो ये भी आपको जो है तिल के केस में आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आता है मूंगफली। मूंगफली का वनस्पतिक नाम है एरेकिस हाइपोसिया लेगिमिनेसिया फेबेसी कुल से बिलोंग करता है। ब्राजील जो है इसका उत्पत्ति स्थल है, काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के केस में पूछा जाता है आपको। तिलनी फसलों का राजा इसे कहते हैं। तेल जो होता है 46% होता है, प्रोटीन जो होती है 26% इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद अपन इसमें बात करते हैं तो C3 है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखनी। ऑक्सीकरण की वजह से इसमें पंजेंसी होती है सूरजमुखी और मूंगफली के तेल में, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और मूंगफली जो है भारत में उगाई जाने वाली तिलनी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में जो है पहला स्थान रखती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान के केस में मस्टर्ड और सरसों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है तिलनी फसलों में, ये भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन अपन बढ़ते हैं कि राजस्थान का जूनागढ़ किसे कहा गया है? तो लूणकरण सर बीकानेर को कहा गया है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। NRC कहा है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। पॉजिटिव धनात्मक गुरुत्वाकर्षण की वजह से सुइया या अधिकिलन जो होता है, पेगिंग जो होता है वो मर्दा के अंदर होता है और पेगिंग क्रिया 55 दिन बाद शुरू होती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मूंगफली की खली में सर्वाधिक जो अपन अगर कुसुम की खली को छोड़ दे तो 7.3% इसमें नाइट्रोजन होती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर आप बात करें तो वर्गीकरण की बात करें तो झुमके के रूप में जो लगती है एरेकिस हाइपोसिया फास्टिजियाटा होती है जिसमें सुसुप्तावस्था नहीं होती है, जबकि फैलने वाली जो होती है जिसमें सुसुप्तावस्था होती है जिसका नाम है एरेकिस हाइपोसिया प्रोकुम्बेंस के नाम से यह जानी जाती है। इसके बाद इसमें सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले उपाय आपसे कोई नहीं पूछेगा। खेत की तैयारी के समय उसमें सफेद लव और दीमक के नियंत्रण के लिए फोरेट हो गया, कार्बोफ्यूरोन हो गया, क्विनोलफोस हो गया, उसको आपको खेत में मिला देना चाहिए। झुमका वाली वेरायटियों में कौन कौन सी वेरायटियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो 1K1224 आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। GG2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विस्तारी में जो बात करें वह M13 टिक्का प्रतिरोधी है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। देन MA10 यानी चित्रा के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। देन गोल्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। देन अर्धविस्तारी में आपका HNG10 जो एग्जाम है पूछी जाती है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट वन अपन देखते हैं तो बुआई का समय वह खरीफ में करते हैं। FIR विधि इसमें भी काम में लेते हैं। राइजोबियम कल्चर के रूप में राइजोबियम लेगुमिनोसोरम को इसमें काम में लिया जाता है, जो आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। बीज दर की बात करें तो झुमका की जो आपकी विस्तारी है उसकी 60 cc और झुमका की 80 cc, ये आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इसमें आपको पता है कि जो तिलनी फसलें या दलहनी फसलें हैं उसमें जिप्सम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है और सल्फर क्या कहता है, तेल के निर्माण को में सहायक होता है। इसके साथ साथ वह दलहनी फसलों में प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। तो मूंगफली में फॉस्फोरस के स्रोत के रूप में, इवन तिलनी फसलें जितनी भी आ गई उसमें फॉस्फोरस के स्रोत के रूप में सल्फर SSP देना चाहिए, क्योंकि उसमें 12% सल्फर होती है और फॉस्फोरस और कैल्शियम की भी प्रचुर मात्रा होती है। मूंगफली में पॉपिंग की समस्या रहती है क्योंकि कैल्शियम की कमी से होता है, इसलिए अगर आप जिप्सम देते हो या आप SSP से उर्वरक देते हो तो आपको कैल्शियम की कमी जो है मूंगफली में नहीं देखने को मिलेगी। दाने में जो फलियां होती है उसमें दाने का निर्माण इस केस में होगा, बाकी नहीं होगा। जिप्सम ऐसा कहते हैं कि 3 साल में एक बार देना चाहिए, इसकी 250 किलोग्राम मात्रा पर हेक्टेयर जो है काम में लेनी चाहिए। इसमें जो खरपतवार नाशी जो काम में लेते हैं वो नाइट्रोफेन या टोकी 25 लेते हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। भंडारण में अधिक अगर नमी रह जाती है मूंगफली में तो उसमें एक जहर जैसा कड़वापन आ जाता है, वो अफ्लाटोक्सिन की वजह से होता है। अफ्लाटोक्सिन, तो अफ्लाटोक्सिन किससे बनता है? A4 एस्परजिलस और F4 द फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक से बनता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मूंगफली के केस में भी अपन बात करते हैं कौन कौन से नासी कीट मूंगफली के केस में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, मूंगफली के केस में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है एक तो कातरा खरीफ फसलों में नुकसान पहुँचाता है, एमसेक्टा मुरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा कीट इसमें नुकसान पहुँचाता है सफेद लट वाइट ग्रब यानी होलोट्रिका कॉन्सनगुनिया होलोट्रिका सेरेटा, ये जड़ों को खाने का काम करता है, फसल की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है, ये भी खरीफ फसलों को नुकसान पहुँचाएगा। कातरा भी खरीफ फसलों को नुकसान पहुँचाएगा। इसके बाद दीमक भी क्या करता है, ओरिनोटर्मस ओबेसस, ये भी जड़ों को खाने का काम करता है, यह मुख्य जड़ को खाता है, ये साइड की जड़ों को खाता है, नासी कीट हो गए। उसके बाद रोग भी मूंगफली के अंदर होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोग आता है टिक्का रोग। वो टिक्का रोग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है मूंगफली के अंदर, पहला आता है अगेती टिक्का और दूसरा आता है पछेती टिक्का। तो कई बार इसके रोग कारक पूछते हैं आपसे एग्जाम में, तो अगेती टिक्का जो होता है सर्कोसपोरा एरिचिडिकोला, अ से ही बना है एरिचिडिकोला, और जो पछेती होता है वो होता है सर्कोसपोरा पर्सोनेटा, पर्सोनेटा से होता है। इसके बाद अगेती टिक्का में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम बनता है येलो हेलो यानी पित्त मेखला का निर्माण होता है, जो आपको ध्यान रखना है कि जो काला और भूरा जो धब्बा होता है उसके चारों ओर पीले रंग का आवरण आपको दिखाई देगा। और इसमें पर्सोनेटा में क्या होता है, पत्तियों की निचली सतह पूरी कार्बन पेपर की भांति दिखाई देती है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण रोग जो आपको मूंगफली के अंदर दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको कोलर रोट। कोलर रोट का तात्पर्य ये हुआ
कि वो पौधा जो होगा भूमि की सतह से ही सड़ने लग जाएगा, और यह होता है एस्परजिलस नाइजर नाम की कवक की वजह से होता है, ये भी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद यह स्वपरागित फसल है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। बोनलेस मीट या पोरोमियंस मीट कहा गया है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% होती है, सर्वाधिक होती है, जो ध्यान होना चाहिए। तेल 20% होता है, प्रोटीन जो होती है वो कितनी होती है 40% होती है। सोया प्रदेश किसको बोला गया है, मध्य प्रदेश को बोला गया है। इसमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें गोइट्रोजन नाम का विषैला पदार्थ जो है सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी एनआरसी इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहनी और तिलहनी दोनों की श्रेणी के अंदर आती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। असंतृप्त वसी अम्ल के रूप में इसमें लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो 56-60% होता है, सर्वाधिक लिनोलिक अम्ल जो होता है कुसुम में होता है, देन आपका किसमें होता है सूरजमुखी के अंदर होता है, जो जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद लाइसिन जो होता है अनाज वाली फसलों में इसकी कमी पाई जाती है, मिथ्योनाइन तिलहनी और दलहनी फसलों में इसकी कमी पाई जाती है। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक जीवन क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी उगाई जा रही है, विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जा रही है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सोयाबीन में विटामिन ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, इनिबिटर आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, बीबीएफ विधि ये पूछा हुआ एग्जाम में कि मूँगफली में लेते हैं, मक्का में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सोयाबीन में भी जो है बीबीएफ विधि को काम में लिया जाता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आता है या नेक्स्ट वन जो पॉइंट आता है वह आता है उत्तरी भारत में इसके अलंकार, गौरव और मोनेटा वेरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसकी वेरायटियों की बात करें तो इंपॉर्टेंट वेरायटी आती है कैंट, जो अमेरिका की वेरायटी है, और कैंट जो है जय की भी वेरायटी है, आपके सोयाबीन की भी वेरायटी, जो आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसकी एनआरसी सीरीज की वेरायटी और जे एस 335 इसकी जो है सोयाबीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी, जो बहुत फेमस वैरायटी, इसकी बीज दर 80 किलोग्राम पर हेक्टर लेते हैं, खरीफ की यह फसल है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद एनपीके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंक सल्फेट और जिप्सम का प्रयोग तो आपको करनी ही है क्योंकि यह तिलहनी फसल है। इसका मुख्य खरपतवार सफ़ेद मुर्गा है, सफ़ेद रंग का एक खरपतवार जो है इस खेत में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद खरपतवार नाशी के रूप में इसमें अपन कौन सा काम में ले सकते हैं, तो खरपतवार नाशी के रूप में इसमें फ्लोक्लोरीन, क्योंकि वो सारे आगे फ्लोक्लोरीन, पेंडामेथिलीन, इमिजाथाइपर, ये सारे नाम अपन लेते आ रहे हैं। इसके अलावा एक नया खरपतवार नाशी दैट इज द ओडीसी, ओडीसी का प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें इमिजाथाइपर और इमिजामॉक्स होता है, 75-100 ग्राम मात्रा इसके काम में लेते हैं। एक और ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्यूजेला फोप इथाइल का प्रयोग भी करते हैं, घास कुल के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मिश्रित क्रॉपिंग के अंदर सोयाबीन की मोनेटा किस्म और अरहर की आईसीपीएल 87 प्रगति को 4:2 में लगाते हैं, सोयाबीन की 4 कतारें और अरहर की 2 कतारें इस किस्म में लगाई जाती है, जो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सोयाबीन के उत्पादों के किस्म में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सोया मिल्क, और 1 किलो सोयाबीन से 6-8 लीटर दूध प्राप्त होता है, यही जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद सोयाबीन के केस में एक महत्वपूर्ण कीट लगता है जिसका नाम है गर्डल बीटल, कौन सा कीट लगता है, गर्डल बीटल, ओबेरिया ब्रेविस, क्या नाम है, ओबेरिया ब्रेविस नाम का एक कीड़ा लगता है। ये क्या करता है कि उस तने पर इसकी भ्रंग जो होती है, मादा भ्रंग जो होती है, तने पर कहीं 2 जगह जो है एक प्रकार की रिंग बनाती है, और रिंग के बीच में 3 छेद करती है, और इसमें से बीच वाले छेद में अपने अंडे दे देती है। तो इसका जो ग्रभ जो भी निकलता है वो तने के अंदर से खाता है, और जैसे ही तेज हवा चलती है तो या तो इस रिंग की जगह से या इस रिंग की जगह से पौधा नीचे की साइड गिर जाता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है आपको देखने को मिलेगा गर्डल बीटल की वजह से सोयाबीन की फसल के अंदर। इसके बाद दूसरा कीट जो सोयाबीन के अंदर लगता है वह सेमी लूप पर लगता है, तो सेमी लूप पर क्या करता है, पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है, सेमी लूप पर यानी आधा लूप बना के इस प्रकार से चलने का काम इसके द्वारा होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी चारकोल रोट मानी गई है, जो उसके जड़ों से लेकर उसके तने के अंदर तक होती है, जो पूरा ब्लैकनिंग या काला सा हो जाता है। अरंडी जिसका नाम है, रिसिनस कम्युनिस इसका नाम है, इसका कुल क्या है, U4BAC कुल के अंदर जो है अरंडी आती है, यह भी आपके एक तिलहनी फसल है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसमें तेल की मात्रा होती है 45%। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, तो इसमें रेशम कीट का पालन करते हैं अरंडी के ऊपर, जिसे ईरी सिल्क के नाम से जानते हैं, सूखा प्रतिरोधी फसल ये मानी गई है, ये भी आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो इसकी किस्मों की बात करते हैं, तो अरुणा इसकी एक उत्परिवर्तित किस्म मानी गई है, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये आपकी खरीफ ऋतु की फसल है अरंडी, है ना, ये भी इसकी बीज दर जो है 12-15, आपने देखा हुआ अरहर की भी 12-15 थी, अरंडी की 12-15 है, जीरे की भी 12-15 है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें भी निपिंग की जाती है, जैसा अपन किस में करते हैं, चने में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, सिंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, खरपतवार इंपॉर्टेंट नहीं है,
बोट्राइटिस नाम की बीमारी हो सकती है इसमें। जब अगर घने बादल छाए रहते हैं तो बोट्राइटिस नाम का रोग जो है आपको अरंडी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अलसी की बात करते हैं तो अलसी का नाम है लाइनम इंसुटेटिसिमम और इसका कुल है लाइनेसी कुल, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट तेली वसी अम्ल पाया जाता है तेल में, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये आपको मुख्यतः ध्यान रखना है। ये तेल और रेसा ये द्विउद्देशीय फसल है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद इसका जो रेशा होता है अलसी का उसे अपन फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लेक्स, जो लाइनन फाइबर बनाने के लिए काम में लेते हैं। और चावल में इसको रिले क्रॉपिंग के अंदर, क्योंकि लेथाइरस और अलसी दोनों ही रिले क्रॉपिंग में काम में आते हैं, ये आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन इसमें बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन देखते हैं। इसकी बीज दर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कोई किस्म भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के हिसाब से। केवल एक शिखा जो वेराइटी है ये आपको ध्यान रखनी है, जो इसकी इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, सिंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खरपतवार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रेटिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें सड़ाने का काम करते हैं रेसे को अलग करने के लिए, सने जूट अलसी में करते हैं। रेटिंग तापक्रम ध्यान रखना, सने में 27, जूट में 34 और अलसी के लिए जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम जो है इसमें काम में लिया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोग आता है, दैट इज द लिंसीड रस्ट। लिंसीड रस्ट अलसी की रोली ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का एकाश्री रोली कहलाती है, यानी यह इस रोली का, अलसी के अंदर होने वाले रोली का रोग कारक केवल अलसी की फसल पे नुकसान पहुंचाता है। जैसे गेहूं में रोली हो रही थी तो वो गेहूं के अलावा बारबरी के पौधे पर, थेलेक्टियम के पौधे पर भी उसका रोग कारक पाया जा रहा था। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते कि भाई एकाश्री रोली का उदाहरण कौन है, तो वो अलसी का रोली है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन जो इसमें बात कर रहे थे वो था आपका दैट इज द सूरजमुखी। सूरजमुखी का नाम है हेलिएंथस एनस, जो आपको ध्यान होना चाहिए। कुल इसका कंपोजिट या एस्ट्रेसी है, उत्पत्ति स्थल इसका मेक्सिको है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसमें पर परागण होता है, प्रोटो एंट्री कंडीशन इसमें पाई जाती है, डे न्यूट्रल प्लांट है और पर परागण मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर होता है। परीक्षण बाद आपको ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं अपन, तो इसमें पूफा पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो लिनोलिक अम्ल इसमें पाया जाता है, सूखा सूचक पौधा है, बोरोन की कमी का भी सूचक पौधा है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, तो इसमें धूप की वजह से इसके मुंडक सूर्य की तरफ मुड़ जाते हैं, उसको हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 64% होती है और कुसुम के तेल में 78% होती है। असंतृप्त वसी अम्ल जो हृदय रोगों के लिए आसान अच्छा माना गया है, जो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, जलवायु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैरायटियों के अंदर अगर अपन बात करें तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो आती है मॉडर्न और सूर्या, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बुआई का समय खरीफ में भी ले सकते हैं, रबी में भी ले सकते हैं, इसको जायद में भी ले सकते हैं। बीज दर इसकी 10 से 12 इतनी वैसे कोई खास नहीं है, याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, उर्वरक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें इन सभी चीज़ों को। मिट्टी चढ़ाने का काम भी करते हैं। पक्षियों की समस्या ज़्यादा रहती है, पक्षी नुकसान इसमें ज़्यादा पहुँचाते हैं। फूल और बीजों के थोथा रहने या खाली रहने की समस्या पाई जाती है, तो इसमें जो है हैंड पोलिनेशन किया जाता है। जैसे फलों में हैंड पोलिनेशन खजूर में करते हैं, तो फसलों में किस में करते हैं? सूरजमुखी में करते हैं। ये जानकारी भी आपको यहाँ पे होनी ही चाहिए। कुसुम जिसका नाम है कार्तेमस टिंक्टोरियस इसका नाम है, इसका कुल है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के अंदर आता है। यह एक आपके रबी की फसल है, इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट की श्रेणी में ये आता है। इसके केस में सर्वाधिक जो होता है लिनोलिक अम्ल होता है, जो 78% होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसकी खली के अंदर जो अपन कहें कि लिनोलिक अम्ल जो असंतृप्त प्रकार का वसी अम्ल है, और इसकी जो खली होती है उसमें 7.9% छिलका रहित कुसुम में 7.9% नाइट्रोजन होती है, जो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वेराइटीज़ आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे JSF5 आपको ध्यान रखना है, जो कांटे रहित किस्म के रूप में जानी गई है इसकी। देन बात करते हैं JSF5 जो कांटे रहित, बात अपन कर चुके हैं। इसके बाद ये कोई भी पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सरसों और मस्टर्ड की बात करते हैं, ये ब्रेसिका स्पीसीज के अंदर आता है और ब्रेसिका स्पीसीज का कुल जो है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी के कुल के अंदर यह माना गया है। इसके बाद इसके में तेल 33 से 38% होता है, प्रोटीन जो होती है इसमें 35% के आसपास पाई जाती है। रबी की मुख्य तिलनी फसल पाई गई है, इसमें विषैला पदार्थ ग्लूकोसिनोलेट के रूप में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, तेल में पंजेंसी का कारक जो होता है आइसोथायोसाइनेट होता है, तीव्र गंध जो होती है वह सिनग्रीन की वजह से होती है। इसके तेल में संतृप्त वसी अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है इरुसिक अम्ल। बाकी तेल वाली फसलों में संतृप्त वसी अम्ल नहीं पाए जाते, उसमें असंतृप्त वसी अम्ल ज़्यादा पाए जाते हैं। मस्टर्ड राई और सरसों में अंतर क्या होता है? मस्टर्ड या राई का नाम होता है ब्रेसिका जुनसिया होता है और सरसों का नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। इतना ही कि आपको ध्यान रखना है, पौधे में क्या अंतर है ये आपको ध्यान नहीं रखना है। तिलनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने देश में सबसे पहले TMO मिशन चला था, उसके बाद इसको बंद करके आइसोपोम चलाया गया और अभी वर्तमान में आइसोपोम को बंद करके नमूप 2014 से चलाया जा रहा है अपने देश के अंदर, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि किसका कितना है, तो सरसों का त्रिकोण नागाहेरू ने दिया था। इसके ट्रिक है NOC = CNJ, N यानी ब्रेसिका नाइग्रा,
यानी पेरेंट ए, ओ फॉर ओलेरिसिया, देन सी फॉर द कंपास्ट्रिस, सी एन जे यानी ब्रेसिका कारिनेट, ब्रेसिका कारिनेट, देन ब्रेसिका नेपस एंड ब्रेसिका जूनसिया। तो ब्रेसिका जूनसिया किसका करो से ये एग्जाम में पूछते हैं, तो ये ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्टिस का करो से जो आपको ध्यान होना चाहिए, ये मैंने पहले क्लास में भी आपको पढ़ा रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण की बात करते हैं तो भारतीय बुरी मस्टर्ड का नाम ध्यान रखना, जिसे राई राया लाहा ब्रेसिका जूनसिया कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हिल मस्टर्ड छोड़ दें, काली मस्टर्ड जिसे बनारसी राई कहते हैं ब्रेसिका नाइग्रा कहते हैं। इसके बाद बुरी सरसों जिसे टर्निप ड्रेप कहते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। इसके बाद तारामीरा रॉकेट या इरुका सेटाइवा किसका नाम है, तारामीरा का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। सरसों व तारामीरा की बुआई कम पानी वाले क्षेत्रों में करते हैं। तोरिया एक महत्वपूर्ण कैच क्रॉप मानी गई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, गोइटर नाम की बीमारी ये कोस करता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट वन बढ़ते हैं कि ठंडी जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। इसके बाद किस्मों की बात करते हैं तो मस्टर्ड या राय की किस्में पूसा जय किसान काफी इंपॉर्टेंट है, जो बायो 902 के नौ से में मिलती है। कायिक संकरण या जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा यह विकसित की गई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वीएल चोपड़ा ने विकसित की है। वरुणा, वरुणा एक इसकी इंपॉर्टेंट किस्म मानी गई है, जबकि अरुणा थी जो वह अरंडी की किस्म थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो अपन बात करते हैं कि भारत में मस्टर्ड की पहली संकर किस्म कौन सी है, NRCHB 506 जो सेवर भरतपुर से निकली है। सरसों की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट आती है पूसा कल्याणी आती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तोरिया में आती है भवानी संगम पांचाली आती है। तारामीरा आप छोड़ दें, रबी ऋतु की फसल है, एफिड का प्रकोप अधिक होता है, इसीलिए इसमें कैसी बुआई करनी चाहिए, अगेती बुआई करनी चाहिए, देरी से बुआई करने पर जो होगा एफिड का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। बीज दर की बात करें तो सामान्यतः बीज दर 4 से 5 किलोग्राम इसमें काम में लेते हैं, उर्वरक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अपन बात करें इसमें जिप्सम का प्रयोग आपको करना ही चाहिए, सिंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरोबैंक की खरपतवार की समस्या रहती है, सत्यानाशी की समस्या इसके अंदर रहती है। सरसों और सत्यानाशी का बीज मिलने पर कौन सा रोग होता है, ड्रॉप्सी नाम का रोग हो जाता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद कैनोला किससे संबंधित है, तो कैनोला जो है आपका ब्रेसिका कैम्पेस्टिस और ब्रेसिका नेपस से संबंधित है। इसी प्रकार से 00 कैनोला की बात करते हैं तो ये संबंधित है आपका ब्रेसिका जूनसिया को, जो कि बोला गया है 00 कैनोला बोला गया है। उपज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे नहीं पूछेंगे कोई भी। इसके बाद सरसों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या रहती है या कीट लगता है वो लगता है एफिड, कौन सा लगता है एफिड, मोइला जो है इसका मुख्य नाशक कीट माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कीट लगता है इसमें आरा मक्खी मस्टर्ड सोफ्लाई का प्रकोप होता है। एफिड जिसका नाम है एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा जो रस चूसक कीट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। आरा मक्खी जो है पत्तियों को खाने का काम करती है, एकमात्र हाइमिनोप्टेरा गण का कीट है। उसके बाद रोगों की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोग सरसों में होता है सफेद रोली, और सफेद रोली जो सरसों में होती है वह अल्बिगो कैंडिडा नामक कवक से होती है। एक प्रकार का अविकल्पी परजीवी है, यानी कि केवल सरसों में ही इसका नुकसान होता है। इसमें 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, सबसे पहला लोकलाइज लक्षण होते हैं, यानी कि उस केस में क्या होता है पत्तियों के ऊपर सफेद रंग के फफोले बन जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा अधिक संक्रमण होने पर इसमें जो होता है उसका जो फूल वाला जो पोर्शन होता है वह फूल जाता है और उसे स्टेग हेड कहते हैं और वो बांज हो जाता है। तो मृग शीर्ष लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं और जो काफी खतरनाक लक्षण इस रोग के माने गए हैं, जो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो अपन यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट वन आपके सामने आता है चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलों में बरसीम आता है, बरसीम का नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम नाम है, कुल लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल के अंदर संबंध रखता है। चारे वाली फसलों का राजा इसको कहा गया है, जो चारे की पाचनशीलता रिचक की अपेक्षा अधिक होती है, 60% होती है, जबकि रिचक की 65% होती है। मिल्क एनरिचमेंट इसको बोला गया है, दूध बढ़ाने वाला माना गया है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें वनस्पतिक वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना गया है, 40 से अधिक होगा तो इसकी वृद्धि रुक जाएगी। इसकी बुआई रबी में ही करते हैं। द्विगुणित फसलों के बीज दर जो है 25 से 30 किलोग्राम काम में लेते हैं, यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं कि इसमें कासनी की सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो नमक के घोल से अपन उपचार करके बुवाई करते हैं। इसके अलावा राइजोबियम का कल्चर, राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है इसमें काम में लेते हैं। इसकी चतुर्गुणित किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी आती है पूसा जायंट, जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। चतुर्गुणित और द्विगुणित के बीजों का अनुपात 2:1 रखते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है इसकी कटाई, तो चाहे रिचका हो गया बरसिम हो गया, इसकी पहली कटाई 55 दिन पर करते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके हरे चाय की उपज 1000 से 1200 क्विंटल होती है, ये पता होना चाहिए। रिचका जिसका नाम है मेडिका को सेटाइवा और जिसका कुल लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल के अंदर आता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। स्वपरागण होता है चारे वाली फसलों की रानी के रूप में इसमें जाना गया है। पाचनशीलता कम होती है, ग्रीन गोल्ड बोला है, वैसे ग्रीन गोल्ड बांस के लिए आता है, लेकिन अगर ये फसलें दे रखी तो उसके इसमें आपका बरसीम जाए, आपका रिचका जाएगा। रिचके में पीलापन जो होता है वो बोरोन की कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी बीज दर जो है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर लेते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें राइजोबियम मेलिलोटाइल नाम का कल्चर जो है इसमें काम में लिया जाता है बीजोपचार के रूप में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद चेतक इसकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसका मुख्य खरपतवार डोडर या अमरबेल है, कसकुटा है, जो पूर्ण तना परजीवी के रूप में जाना गया है, ये भी आपको जानकारी होनी
चाहिए। इसके बाद बीज उत्पादन के लिए या इसकी वर्ष भर जो उपज प्राप्त होती है 700 से 1000 क्विंटल इसकी उपज जो प्राप्त हो जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चारे वाली फसल आती है वह एवेना सेटाइवा आती है, जो आपकी ग्रेमिनी या पोइसी कुल से संबंध रखती है, यह अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तो इसके एकल कटाई वाली किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट है कैंट। कैंट जो है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, बाकी कोई भी वैरायटी ध्यान नहीं रखनी। इसकी बीज दर जो है 100 किलोग्राम है, आपको क्या ध्यान रखना है 100 किलोग्राम बीज दर जो है जय के काम में लेते हैं। उसके बाद और कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथी जो घास आती है या चारे वाली फसल आती है पेनिसेटम पुरपेरियम नेपियर घास आती है, जिसे हाथी घास के नाम से भी जाना गया है या युगांडा घास भी कहते हैं, ये भी ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंदर आती है। एक बार बुआई करने के बाद ये अपनी तुरंत फुटान करती रहती है। बाकी इसमें कोई भी पॉइंट जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नकदी वाली फसलों की बात करें तो ग्वार आता है। ग्वार राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इसका नाम होता है, कुल इसका लेग्यूमिनेसी कुल है। इसके बाद उत्पत्ति इसकी भारत से हुई है। इसके बाद अगर अपन इस बात करें तो इसके भ्रूणपोष में गम कितना होता है, ग्वार के अंदर गोंद कितना होता है उसके अंदर, तो एंडोस्पर्म में 33% होता है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद बात करें जलवायु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मृदा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बीज दर, बीज दर इसके दाने के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज दर इसके काम में लेते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो आपको देखने को मिलेगा सब्जी है तो किस्में कौन सी है, तो पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गाबहार, ये आपको वैरायटी यहाँ पे ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी दाने के लिए आरजीसी 936 काफ़ी फेमस वैरायटी है। और खरपतवार प्रबंधन इसमें पूछा जाता है, ग्वार जो है लेग्यूमिनेसी कुल में आता है और लेग्यूमिनेसी कुल का खरपतवार प्रबंधन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, दोबारा बात अपन नहीं करेंगे। गन्ना, गन्ना आपकी मुख्य नकदी फसल है, जैसे सेकेरम ऑफिसिनियम के नाम से मिलता जो है इसका नाम है ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंदर आता है। सेकेरम ऑफिसिनियम किसका क्रॉस है, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम स्पॉन्टेनियम का क्रॉस है, जो टीएस वेंकटरमन ने कराया। इसका उत्पत्ति स्थल भारत या न्यू गिनी है। इसका जो पुष्परम होता है वो एरो कहलाता है और पुष्प बनने की प्रक्रिया एरोइंग कहलाती है, जो इसके परिपक्वता का प्रतीक है। एरोइंग इसके परिपक्वता का प्रतीक है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। एरो एक सूखा खुला पेनिकल होता है। सेकेरम एक संस्कृत भाषा का शब्द है। शक्कर का कटोरा किसको कहा गया है, क्यूबा को कहा गया है, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में इसका उत्पादन जो है बूंदी, चित्तौड़, गंगानगर के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इंटरमीडिएट डे प्लांट के अंदर जो है गन्ना आता है विश्व में सबसे पहली बात। इसके बाद इसमें जो परिपक्व शर्करा जो है, सबसे परिपक्व होने पर कौन सी शर्करा का निर्माण होता है, तो सुक्रोज शर्करा का निर्माण होता है, ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस किसका घोषित किया जाता है या स्टेट्यूटरी मिनिमम प्राइस किसका घोषित होता है सीएसीपी के द्वारा, तो वो गन्ने के लिए होता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वैधानिक समर्थन मूल्य गन्ने से संबंधित है। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर के अंदर है, और रिसर्च का संस्थान कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। शुगर इंस्टीट्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है खेती योग्य गन्ना, नोबल केन की बात करें जिसका नाम सेकेरम ऑफिसिनियम, जिसे जूसी केन कहते हैं, भारतीय गन्ना जिसका नाम है सेकेरम बारबरी, और चाइनीज गन्ना जिसे सेकेरम साइनेंसिस इसका नाम होता है। जंगली गन्ना ध्यान नहीं रखना है। तापक्रम की बात करें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तापक्रम जो माना गया है वृद्धि के लिए 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद इसके जीवन काल में जैसे वैसे बेसिकली जीवन काल में औसत तापमान अगर बात करें, औसत तापमान तो 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसको औसत तापमान चाहिए। देन इसकी बुआई की बात करें तो शरदकालीन गन्ने की बुआई जो है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में करते हैं, उत्तरी भारत में ज़्यादातर करते हैं, 12 माह की फसल होती है और ये सर्वोत्तम मानी गई है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं बसंतकालीन की बुआई यानी गर्मियों के दिनों में बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच करते हैं, उत्तरी भारत में करते हैं 10 से 12 महीने लगते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वोत्तम पहली वाली शरदकालीन, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र में बसंतकालीन करते हैं। इसके बाद आता है बरसाती, बरसाती को बोला गया अधसाली, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, अधसाली यानी आधा साल, आधा साल नहीं है, इसका अर्थ होता है डेढ़ वर्ष यानी 18 माह, 1.5 वर्ष, ये पूछ लेते कई बार अवधि कितनी होती है। दक्षिणी भारत में इसकी बुआई की जाती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पहला वंडर कैन कौन सा है, को 419 है। इसके बाद दूसरा वंडर कैन कौन सा है, को 140 है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जिसमें ना तो कीट लगे ना रोग लगे, को 1111, इसमें प्रोपोगेशन जो प्रवर्धन जो है उसके बिज्जू गन्ना के द्वारा करते हैं, और इसमें 1/3 से ऊपरी 1/3 से 1/2 बाग ही जो है बुआई के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि टॉप डोमिनेंस इसके अंदर पाई जाती है। गन्ने के टुकड़ों के केस में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इसके टुकड़ों वाला ये क्वेश्चन आता है, तीन आंख वाले आल वाले टुकड़े जो 35 से 40 हज़ार टुकड़े काम में लेते हैं, जिसका वजन 75 to 80 क्विंटल पर हेक्टर होता है, यानी तीन आंख वाले टुकड़ों की संख्या पूछे तो 35 से 40 हज़ार, वजन पूछे तो 75 से 80 क्विंटल पर हेक्टर इसका वजन होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बीजोपचार के रूप में इसमें कौन कौन सा कवकनाशी काम में लेते हैं, तो इसमें एगिलोल का नाम है, एरिटोन का नाम है, आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, जो आपसे पूछा भी जा सकता है। कीटनाशक के रूप में इसमें क्लोरपाइरीफॉस लेते हैं, क्योंकि दीमक की समस्या इसके अंदर रहती है। समतल क्यारी विधि उत्तरी भारत के अंदर सर्वाधिक अपनाई जाती है इसकी बुआई के लिए। वैसे इसके लिए कुंड विधि या फरो विधि अच्छी मानी गई है, जो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नाली विधि उन क्षेत्रों में काम में लेते हैं जहाँ पे पानी भरने की समस्या रहती है।
यानी कि समुद्र तटीय इलाकों में, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कोस्टल इलाकों में कौन सी विधि काम में लेते हैं। रेनगन्स विधि जो है बुवाई से देरी होने पर इसमें नर्सरी तैयार करने में टाइम इसमें नहीं लगता है, जल्दी से इसके फुटान को ही लगा दिया जाता है। इसके बाद जो इसकी बुवाई का तरीका है, आँख से आँख या कलिका से कलिका विधि सर्वोत्तम विधि मानी गई है। इसको मिलाकर आपस में बोने से जो है अंकुरण अच्छा माना गया है। इसके बाद उर्वरक का केस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे अपन बात नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें बात करें तो इसकी जो नाइट्रोजन वनस्पतिक वर्धा और इसमें सबसे अलग अलग अवस्था में कौन सा उर्वरक देना चाहिए, इतना कोई नहीं पूछेगा आपसे। इसकी जो ट्रिक है ग्रोथ स्टेज की, GFGM, ग्रोथ फॉर्मेटिव जर्मिनेशन, ग्रोथ जर्मिनेशन फॉर्मेटिव ग्रोथ और मैच्योरिटी, ये तीन अवस्थाएं होती है। तो अंकुरण के लिए 0 से 60 दिन, रचनात्मक अवस्था 60 से 130 दिन, और यही अवस्था सिंचाई के लिए क्या मानी गई, क्रांतिक मानी गई। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरिगेशन रचनात्मक अवस्था को माना गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीर्घ या वृद्धि अवस्था जो 130 से 250 दिन के बीच में होती है, परिपक्वता अवस्था जो 250 से 365 दिन के बीच में होती है, इसकी जलमांग 1500 से 2500 mm में, ये आपको ध्यान रखना है। रचनात्मक अवस्था इसकी क्रांतिक अवस्था है। सर्वोत्तम सती विधि कौन सी, कुंड विधि इसमें काम में लेते हैं। टाइफून विधि गन्ने में सिंचाई की एक आधुनिक विधि के रूप में जाना गया है। इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए सीमाजिन का प्रयोग होता है, और दूसरा सीमाजिन का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, मक्का की फसल के अंदर भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन अंतरा सेशन, अगर गन्ना और आलू और सरसों लगा रहे हो तो उसमें पेंडीमिथिलिन को अपन जो है अपन एज अ खरपतवार नाशक के रूप में काम में लेते हैं। अंधिक गुड़ाई भी इसमें करते हैं क्योंकि अंकुरण इसमें देरी से होता है। बंदाई भी करते हैं, प्रोपिंग भी करते हैं, कुछ टर्म्स ध्यान रखना है, ट्रेसिंग भी करते हैं, मिट्टी चढ़ाने का काम भी जो है गन्ने के अंदर किया जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए क्लास आपको कैसी लग रही है, उसके बाद जो है अपन अगला सेशन इसमें खोल देते हैं, सबसे लास्ट सेशन, क्योंकि अभी तक अपन जो है बहुत कुछ चीज़ें अपन देख चुके हैं और अपन गन्ने के अंदर चल रहे हैं। जल्दी से अपना कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसा आपको महसूस हो रहा है कि भाई क्लास अपने सही चल रही है, रिविज़न फास्ट हो रहा है कि आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है। जल्दी से अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यस सर, पानी पी लीजिए, मधु केरी पानी पी लीजिए, पर क्या करें कि वो प्रण लिया हुआ है कि नन स्टॉक क्लास लेनी है, तो नन स्टॉक क्लास लेने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। 4 करोड़ 4, ओके। अगर इतना बोल रहे हो तो हल्का सा पानी की घूंट पी ली जाए, क्या पता एनर्जी आ जाए। चिंकी मिंगी कह रही चाय पी लीजिए, ज्यादा हो जाएगा फिर चाय, तो फिर क्लास ही नहीं ली जाएगी, है ना। पता नहीं इतना जोश कहाँ से मिलता है, मैं खुद भी जज नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्लास वैसे 7:15 बजे होने है, सॉरी 7:30 बजे शेड्यूल थी, तो अचानक से जैसे चलाने लगा तो देखा कि जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कैमरे का आउटपुट जो है इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आ ही नहीं रहा। दिमाग खराब कि अब क्या करें, फिर आप लोगों के कमेंट सर नज़र लग गई है, तो मैंने कहा हो सकता है मैं भी ऐसा हो भी सकता है। फिर कोशिश की, कहते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश करते हुए ये हुआ कि फिर मैंने कहा कि अब ले सकते हैं, तो 9 बजे वापस ले ली और फिर मैंने कहा चालू करो, क्योंकि मैंने जो सोच रखा था कि मैं आज के दिन में एग्रोनॉमी ख़त्म करूँगा, मेरी सबसे बड़ी जो जिद है वो यही है, जो चीज़ सोच लेता हूँ उसको करके रहता हूँ, है ना। तो इसी जिद की वजह से ये सारी चीज़ हो पा रही, बाकी पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी ये कर पाएँ, बहुत मुश्किल से होता है ये चीज़ें, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाती है। आपका जो साथ और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी काम आती है। तो अधिक तापमान पर सुक्रोज और ग्लूकोज में बदल जाता है, तापमान में फ्लक्चुएशन होता है, तो इस केस में ये चीज़ें आ जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो इसके परिपक्वता में कौन सी आवाज़ आती है, मेटेलिक आवाज़ आती है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसके ब्रिक्स का पाठ्यांक कितना होता है, 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स होता है, जिसको मापने के लिए रिफ्रेक्टोमीटर को काम में लेते हैं। ब्रिक्स रेशियो कितना होता है, 0.9 होता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है कृत्रिम रूप से पोलारिस या ग्लाइफोसेन या इथिफोन को काम में लेते हैं। इसके बाद इसके सह उत्पाद कौन से, बगासिस या सीरा मोलासिस, और प्रेसमड ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अम्ली पर्वतिक का होता है, जिसे लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए भी काम में लेते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो गन्ने के रस में कितना गुड़ और ये औसतन होती है, ये इतना आपको नहीं पूछेगा कोई, लेकिन रस से गुड़ कितना प्राप्त होता है, औसतन 10% के आसपास, चीनी 10% के आसपास, ये ध्यान रखना चाहिए। और गन्ने में पेडी की फसल ली जाती है, दूसरी फसलों में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, इसमें गन्ने और चुकंदर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, वैसे चुकंदर की शर्करा अच्छी मानी गई है, लेकिन अपने देश के अंदर गन्ने की शर्करा को ज़्यादातर काम में लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि गन्ने में नासिकीटों की बात करते हैं, तो बोरर्स का अटैक अधिक होता है, गन्ने में शीर्ष भेदक का प्रकोप होता है, और शीर्ष भेदक के प्रकोप की वजह से गन्ने में सबसे बड़ी समस्या होती है, शीर्ष गुच्छा रोग होने की संभावना रहती है।
गन्ने में तना छेदक का प्रकोप होता है, तने के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसमें नुकसान पहुंचाता है, तो डेड हर्ट लक्षण उत्पन्न होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गन्ने में इंटरनोड बोरर का भी अटैक होता है, गन्ने में जड़ भेदक का भी प्रकोप होता है, लेकिन जड़ भेदक के केस में आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लार्वा भूमिगत तने को खाता है, जड़ को नहीं खाता है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। इनके जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग किया जाता है और भारत में गन्ने में नासी कीटों का नियंत्रण जैविक विधि से सर्व सक्सेसफुल तरीके से किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। गन्ने में रस चूसक कीट में सबसे इंपॉर्टेंट कीट आता है पायरिला, पायरिला परपुसुला जो रस चूसने का काम करता है, नुकसान इस केस में पहुंचाता है, शहद जैसा पदार्थ भी ये छोड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए एपिरिकार्डिया मेलोलेका को काम में लेते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। गन्ने के रोगों की बात करते हैं तो गन्ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोग होता है गन्ने का लाल सड़न रोग, और लाल सड़न रोग का रोग कारक ध्यान रखना है कोलेटोटैकम फाल्केटम नामक कवक से होता है। गन्ने के बीच में आपने देखा होगा लाल लाल सा हो जाता है, लेकिन गन्ने में एक लाल धारी रोग होता है, ये भी कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं। देखो लाल सड़न तो होता है कवक से, और लाल धारी जो होता है किससे होता है, जीवाणु से, जेंथोमोनास जीवाणु से होता है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। इसके बाद आता है गन्ने का ग्रासी प्रो रोग, ये विषाणु से होने वाला रोग है, इसको फैलाने का काम कौन करता है, एफिड करता है। गन्ने का वीप कंडवा, एक ऊपर ब्लैक रंग की पत्ती निकल जाती है, एस्टिलेगोसीटामिया की वजह से होता है, क्लियर। इसके बाद कपास, कपास रेशे वाली मुख्य फसल मानी गई है, इसका नाम गोसिपियम स्पीसीज है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। मालवेसी कुल के अंदर जो है ये आती है, इसे सफेद सोना कहा गया है, रेशों का राजा भी इसको बोला गया है, ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद कपास की बात करें तो कपास के ऊपर जो रेशा बनता है, यह रेशा जो होता है वह एपिडर्मिस की अतिवृद्धि होती है, बास्ट फाइबर या बास्ट फाइबर इसको बोला गया है, बास्ट फाइबर, ये एग्जाम में JET के एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा रेशा कहलाता है, बास्ट फाइबर कहलाता है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। कपास में टर्मिनेटर तकनीक पाई जाती है, एक ही बार इसका बीज काम में ले सकते हैं, दोबारा बार लेने के लिए आपको इसमें जो है बीज को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। बेचने योग्य रेशा जो लंबा रेशा होता है वह लिंट कहलाता है, छोटा रेशा फज कहलाता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। बिनोला जो होता है खाद्य खाद व पशु आहार के रूप में काम में लेते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हानिकारक पदार्थ जो होता है बिनोला में गोसिपोल होता है, ये भी आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। और कपास जो होता है प्राय परपरागण इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद इसकी गांठ के वजन की बात करते हैं तो इसके गांठ के वजन का वजन जो होता है 170 किलोग्राम होता है कपास का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देसी कपास ये परीक्षण बार आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डोडे खोलने के लिए थाइड्रोजन का स्प्रे करना चाहिए। कपास जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो आपसे पूछा जा सकता है। कपास में आधार बीज के लिए 50 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 25 मीटर जो है पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है, जो भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बिनोला में तेल या खली में कितना क्या होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। गोसिपोल का केस मैं आपको बता चुका हूँ, BT कपास सबसे पहले 1901 के अंदर पृथक्करण इसी वाटा, 1901 नहीं जाएगा 1902 जाएगा, इसी वाटा ने किया था, रेशम कीट से किया था। इसके बाद 1911 से बर्लिनर ने किया था, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। और BT जो बेसिलस थ्रुजेंसिस होता है, और BT ग्राम पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन नाम का जीन छोड़ता है, रसायन छोड़ता है, क्राइजीन या प्रोटीन इसमें पाई जाती है, सेप्टिसीमिया कोज करता है, सारी माध्यम में ये कार्य करता है। BT कपास सर्वप्रथम विश्व में 1996 में बोई गई, भारत में कब बोई गई, 2002 में बोई गई। भारत में प्रमाणीकरण कौन करता है GM फसलों को, GAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी करती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और GAC जो है वो पर्यावरण विभाग के अधीन पर्यावरण फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, इसकी किस्में बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 है, इसके अलावा कोकर 312 है, जो भी ध्यान आपको होनी चाहिए। BT कपास का लगभग क्षेत्रफल 11 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। कपास के वर्गीकरण की बात करते हैं तो द्विगुणित में गुणसूत्र होते हैं 20 = 26, जो पुराने विषयों का कपास कहलाता है, जिसमें गोसिपियम आर्बोरियम आता है, गोसिपियम हर्बेशियम आता है। उसके बाद नए विषयों का कपास जिसमें 20 = 52 होते हैं तो गोसिपियम बारबाडेंस आता है, गोसिपियम हिर्सुटम आता है। उत्पादन की दृष्टि से गोसिपियम हिर्सुटम अच्छा माना गया है, लेकिन रेशे की दृष्टि से गोसिपियम बारबाडेंस अच्छा माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कपास उगाते हैं, संकर कपास उगाते हैं, हाइब्रिड कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है, 40% क्षेत्र में यही उगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, दो प्रकार की शाखाएं होती है, इसमें सबसे अच्छी शाखा कौन सी मानी गई, सिम्पोडियल मानी गई, जिसमें क्या होता है उसमें पुष्पन अधिक होगा, और पुष्पन अधिक होगा तो उसमें फ्रूटिंग अधिक होती है। इसके बाद तापमान इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वेराइटियों की बात करें तो गोसिपियम आर्बोरियम की जो इंपॉर्टेंट वेरायटी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे लोहित होगी, ये आपको ध्यान रखनी है। हर्बेशियम के केस में दिग्विजय आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हिरसुटम में बीकानेरी नरमा हो गया, गंगानगर अगेती काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। बारबाडेंस में सुजाता हो गया और सुवीन हो गया, ये दो ध्यान रखनी है। संकर किस्मों की यहाँ पे बात करते हैं तो संकर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सामने आती है वह आती है H4 सिटी पटेल ने विकसित की, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। मरु विकास राजस्थान की पहली जो है संकर हिरसुटम की वैरायटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटर स्पेसिफिक वैरायटियों की वहाँ पे बात करते हैं, दो जातियों के बीच में क्रॉस से बनवाई गई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वारा लक्ष्मी है जो UAS से धारवाड़ से विकसित हुई है, ऐसे पटेल ने विकसित की है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बुवाई का समय, वैसे अप्रैल महीने के अंदर इसकी बुवाई कर देनी चाहिए, अप्रैल महीना सबसे बेटर माना गया है कपास की बुवाई के लिए,
जो जानकारी होनी चाहिए। इसके बीज दर सामान्य बीज दर जो है 12 से 15 किलोग्राम काम में लेते हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। संकर किस्मों के बीज दर 2 से 3 किलोग्राम लेते हैं। बीटी कपास के बीज दर 1.5 किलोग्राम काम में लेते हैं। इसके बाद इसमें रिफ्यूजा बीटी कपास के साथ नॉन बीटी उगाना जो 20% में उगाया जाता है, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बीटी सामान्य कपास की जो पौध संख्या है 50 से 80 हज़ार होती है, बीटी कपास में पौधों की संख्या 10,000 प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, क्योंकि पौधे से पौधे कतार से कतार की दूरी इसमें 100 × 100 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीजोपचार इसमें रेसा हटाने के लिए H2SO4 से बीजोपचार करते हैं, 1:10 की रेशियो में काम में लेते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ये नेक्स्ट वन चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उर्वरक भी इतना खास नहीं है, क्रांतिक अवस्थाएं भी खास नहीं है, और इसमें खरपतवार नाशी डायरोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस के रूप में इसमें काम में लेते हैं। और जिस खेत में 2,4-D का प्रयोग कर दिया वहाँ पे कपास की फसल नहीं बोनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंचिंग ऑफ लीव्स पत्तियाँ जो होती है वह अंगुली नुमा हो जाती है, इसलिए आपको वहाँ पर नहीं लेना चाहिए, पंजे नुमा हो जाती है। तीरक या बेड बॉल ओपनिंग जो है कपास के अंदर देखी गई है, यह किसकी वजह से होती है, तो यह नाइट्रोजन की कमी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन की कमी। कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन नाइट्रोजन की कमी मुख्य कारण माना गया है। उसके बाद छोटी पत्ती जो होता है इसमें जिंक की कमी की वजह से होता है, और कार्य की विकार का प्रबंधन करने के लिए DAP या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा रेशे की गुणवत्ता की बात करते हैं तो रेशे की गुणवत्ता का वाला केस इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नहीं है, मजबूती वाला भी नहीं है। गेनिंग परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कपास से जो रेशा अलग करते हैं उसको गेनिंग बोलते हैं, और औसत गेनिंग परसेंट कितना होता है? 33% होता है। कपास की एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम पुरानी पत्ती में ज़्यादा था, वो आपको ध्यान नहीं रखना है। लिंड सूचकांक यानी कपास के 100 बीजों से कितना रेशा प्राप्त हुआ, कितने ग्राम रेशा प्राप्त हुआ है, उसी को लिंड सूचकांक बोला गया है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। रेशे की परिपक्वता कैसे मापते हैं? एरोमीटर से मापते हैं, बाकी कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखनी है। इसके बाद टॉपिंग, टॉपिंग क्या होता है? इसमें जिस प्रकार से निपिंग करते हैं चने के अंदर, तो उसी प्रकार से कपास के अंदर 80 से 90 दिन का हो जाए तो ऊपरी भाग को हटा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रजनक शाखाएँ उनका विकास इसमें अधिक होता है। उसके बाद बात करते हैं कपास में बोलवम कॉम्प्लेक्स का अटैक अधिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिकन बोलवम हेलिकोरोपा आरविजर का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। कैटरपिलर बड़े व अनियमित आकार के छेद कर देती है, आधा शरीर अंदर और आधा बाहर रहकर नुकसान पहुंचाती है, इसके लिए ल्यूर हेलील्यूर आता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। धब्बेदार बोलवम ईआरएस वाइटेला या ईआरएस इंसुलाना होता है, और इसके संक्रमण की वजह से फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम उत्पन्न होते हैं। कौन से सिम्टम उत्पन्न होते हैं? फ्लेयर स्क्वायर। इसके लिए जो ल्यूर आता है वो आपका कौन सा आता है? दैट इज द गोसिप ल्यूर नहीं होगा, क्योंकि गोसिप ल्यूर जो होता है उसके लिए होता है, यहाँ बाई मिस्टेक ये आ गया है, इसके लिए अभी ल्यूर नहीं आया है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं गुलाबी बोलवम पेक्टिनोफेरा गोसिपेला, इसके लिए आता है गोसिप ल्यूर, यह डबल सीड प्रोडक्शन करता है, यह रोजेटी लक्षण उत्पन्न कर सकता है ना, बोल के अंदर ही चला जाता है, सबसे घातक माना गया है, कैप्सूल में छेद करके अंदर ही रहता है। तो कपास का सबसे ज़्यादा खतरनाक बोलवम जो माना गया है वह पिंक बोलवम माना गया है। इसके बाद लाल बोलवम ये इतना कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें भी इसका भी प्रकोप होने से चिपचिपा पदार्थ जो है उस बोल से बाहर निकलने लगता है। बोलवम की बुवन निगरानी है तो 21 दिन बाद फिरोमोन पास लगाते हैं, ये सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। भिंडी या गेंदा को फंदा फसल के रूप में लगाते हैं, क्योंकि भिंडी और गेंदा की जड़ें जो होती है, गेंदे की जड़ें जो होती है अल्फा टर्थिनाइल छोड़ती है, जिसकी वजह से सूत्रकर्मी का प्रकोप नहीं होता है। गेंदा और भिंडी जो होता है यह बोलवम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई जो करनी चाहिए, और बीटी कपास की बुवाई कर सकते हैं। अमेरिकन बोलवम के लिए HA NPP की 500 LE मात्रा काम में लेते हैं। ट्राइकोग्रामा अंडा परजीवी की 1.5 लाख मात्रा जो अपने पर हेक्टेयर इसमें काम में ले सकते हैं, ये भी आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। बीटी कपास या बीटी की मात्रा 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर काम में लेनी है। स्पाइनोसेड अपन काम में ले सकते हैं, साइपरमेथ्रीन या नोवालिनोन को भी अपन इसमें काम में ले सकते हैं, इंडोक्सा कार्बो को भी इसमें कीट नियंत्रण के लिए काम में ले सकते हैं। इसके बाद रस चूसक कीड़ों में एफिड का प्रकोप यहाँ पे इस फसल के अंदर होता है, एफिस गोसिपी का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, जो रस तो चूसते ही है, इसके अलावा शहद जैसा पदार्थ भी छोड़ने का काम करता है। इसके अलावा इसमें थ्रिप्स का प्रकोप भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी इसका एक रस चूसक कीड़ा है। उसके बाद सफ़ेद मक्खी का बेमेसिया टेबेसिया का भी प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। लीफ ओवर एमरस का बाइगुटुला भी जो है एक रस चूसक कीट है, जो इसमें नुकसान पहुंचाता है। कपास का लाल मदकुंड आपने देखा होगा, कई बार कपास का रेशा लाल रंग का हो जाता है, तो इस लाल मदकुंड के प्रकोप की वजह से होता है। ये क्या करता है? ये लाल मदकुंड जो होता है एक जीवाणु निमेटोस्पोरा गोसिपेला के साथ मिलकर कपास के रेशे को बदरंग करने का काम जो है इसके अंदर करता है। अन्यनाशी कीट में तना विविल आती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लीफ रोलर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप तो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। कपास का जीवाणु अंगमारी इसका एक मुख्य रोग माना गया है, जिसे कोणी अंगमारी के नाम से भी जाना गया है। बीज जनित रोग होता है, जेंटोमोनास कैंपेस्ट्रिस मालवेसी एरम से होता है, पौधे के अधिकांश भागों को नुकसान पहुंचाता है, जड़ को छोड़कर सभी भागों पर नुकसान इसका देखने को मिलेगा। उकठा रोग ज्यादातर फसलों में फ्यूजेरियम नाम कवक से होता है, जड़ गलन राइजोक्टोनिया से होता है। कपास में लिप कर्ल जो होता है विषाणु जनित है, और इसको फैलाने का काम जो होता है सफेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। सनई जिसका नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसके बारे में इसका कुल जो है वो लेग्यूमिनस कुल से संबंध रखता है, और सनई जो है हरी खाद के लिए एक अच्छी फसल मानी गई है। करेंसी या नोट बनाने के लिए सनई का उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें सेलुलोज और लिग्निन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
इसके बाद बात करें तो हरी खाद के लिए 65 से 60 दिन पर पलट देते हैं। इसके लिए रेटिंग तापक्रम जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन यहाँ पे जूट। जूट का नाम है कोरचोरस स्पीसीज है और यह मालवेसी कुल में आता है। पहले यह किस कुल में आता था? टेलिएसी में आता था, अभी मालवेसी में आता है। कपास के पास दूसरी महत्वपूर्ण रेशे वाली फसल यह मानी गई है। जूट का प्राकृतिक रेशा, जूट सस्ता प्राकृतिक रेशा है और इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें रेटिंग तापक्रम कितना है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जूट दो प्रकार का होता है, सफ़ेद जूट, ये वो वाला जूट नहीं समझा है ना, एक रेसा है सफ़ेद जूट, और दूसरा आता है टोसा या मिठापत। तो सफ़ेद जूट का नाम होता है कोरचोरस कैप्सुलरिस और टोसा या मिठापत का होता है ओलिटोरस नाम इसका होता है। तो इसमें कौन कहाँ उगाता है इतना सारा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस वैज्ञानिक नाम याद रह जाए ठीक है। बीजी मसाले, तो भारत को बीजी मसालों का या नॉर्मल मसालों का जो है घर कहा जाता है। भारत को मसालों का घर, तो भारत में मसालों का घर केरल को कहा जाता है और बीजी मसाले सर्वाधिक कहाँ होते हैं? राजस्थान और गुजरात के अंदर होते हैं। मसालों को राजा किसे कहा गया है? काली मिर्च को कहा गया है, रानी किसको कहा गया है? छोटी इलायची को कहा गया है। देन शीर्ष दो मसाले, ये जेट में आया हुआ प्रश्न है, कौन से शीर्ष दो मसाले हैं जो राजस्थान में उत्पादित होते हैं? जीरा व धनिया, चार मसाले वाली क्रॉप है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? जीरा व धनिया राजस्थान में शीर्ष दो मसालों में आते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। एक रिप जो है इसमें कलिकट केरल में इसका संस्थान है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद राजस्थान में बीजी मसालों का जो संस्थान है वो तबीजी अजमेर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला जो बीजी मसाला आपके सामने यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? जीरा आ रहा है। जीरे का नाम क्यूमिनम साइमिनम है, कुल अम्बेलीफेरी एपिएसी की बिलो से बिलोंग करती है। इसमें जो पदार्थ पाया जाता है क्यूमिनोल और क्यूमिन एल्डिहाइड पाया जाता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ये जो है सारे की सारी जो मसाले वाली फसलें हैं वे सारी रबी ऋतु की फसलें हैं। इसकी बीज दर जो लेते हैं वो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टर बीज दर लेते हैं। इसके RZ19 किस्म जो है जोबनेर से विकसित की गई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद RZ209 जो है जोधपुर से विकसित की गई है। RS1 जो है दुर्गापुरा से विकसित की गई है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसका मुख्य खरपतवार GD है, प्लांट को पुमिला है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसकी सिटी मंडी जो है मेड़ता सिटी नागौर और जोधपुर के अंदर है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें नासिक कीट, एफिड, वेपिड, दीमक, इनका भी प्रकोप होता है। इसमें जो बीमारियों की बात करें तो सबसे बड़ी बीमारी होती है लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा, ये एग्जाम में आता है। पछेती झुलसा इसकी मुख्य बीमारी है, जो होता है अल्टरनेरिया बंसी नामक कवक से रोग जो है इसमें होता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें धनिया, धनिया का वानस्पतिक नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम, इसका नाम होता है अम्बेलीफेरी एपिएसी का कुल है। इसमें सुगंधित पदार्थ लिनोलिन या कोंड्रियोल पाया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें कि इसमें जो ये भी जो है आपकी इस बीज दर है, इसमें 15 से 20 किलोग्राम बीज दर पर हेक्टेयर अपन इसमें काम में लेते हैं। इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं, इसकी किस्मों की बात करते हैं, तो किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी इसकी आती है RCR 20 और RCR 41, जो इसके आर यू बीकानेर से निकली है। इसके अलावा इसकी हिसार हरियाणा से विकसित किस्में नालनोन सलेक्शन, पंथ हरितिमा, हिसार सुगंध जो है आपकी यहाँ से निकली है, ये वैरायटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें इसका मुख्य खरपतवार जीरी नहीं होता है, बाय मिस्टेक यहाँ पे लग गया है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है इसमें पकने की अवधि, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रोग भी इस केस में देखा जाए तो इतना कोई इंपॉर्टेंट रोग नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी एक मंडी इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पे है? रामगंज मंडी कोटा के अंदर है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं सौंफ की, तो सौंफ का वानस्पतिक नाम है फोइनिकुलम वल्गेर, इसका नाम है अम्बेलीफेरी कुल के अंदर ये आता है। इसमें सुगंधित पदार्थ जो होता है एथिनोल व फ्रेंकोन होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और इसकी बीज दर जो है सीधी बुवाई के लिए 8 से 10 किलोग्राम, और इसमें नर्सरी भी तैयार करते हैं, नर्सरी का क्षेत्र 100 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इसकी किस्में में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे एफ लगाओ राजस्थान की होगी तो राजस्थान फेनल, गुजरात की होगी गुजरात फेनल, और अगर पंजाब की होगी तो पंजाब फेनल, अर्थात RF GF PF के नाम से इसकी वैरायटी मिलेगी। शाकनाशी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि इसमें जो नाइट्रोजन उर्वरकों का जो प्रयोग है वो जो है बहुत ही कम या नहीं के बराबर करते हैं, पोटेशियम युक्त उर्वरकों का, ये आपके सुपरवाइजर में आया हुआ है। पोटेशियम 0 किलोग्राम काम में लेते हैं। नासिक कीट इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें गुंदिया या सुगरी रोग, यानी कि सुगरी रोग की समस्या ज़्यादा रहती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद आता है मेथी, मेथी का नाम है ट्राइकोनेला फोइनम ग्रेकम आता है, यह लेग्यूमिनेसी कुल से या फेबेसी कुल से बिलोंग करता है। इसमें सबसे बड़ी बात ओलियोरेजिन पाया जाता है, डायोसजेनिन और ओलियोरेजिन, और ओलियोरेजिन की और प्राप्ति किससे होती है? मिर्च के अंदर भी ओलियोरेजिन पाया जाता है, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें राइजोबियम मेलिलोटा लाम का कल्चर काम में लेती है, रबी ऋतु की यह फसल है। इसके बाद इसकी बीज दर की बात करते हैं, तो इसकी बीज दर जो है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर काम में लेते हैं मेथी की, जो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इसकी किस्मों की बात करते हैं, तो RMT सीरीज आपको ध्यान रखनी है। RMT सीरीज इसकी वैरायटियों की काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसके अलावा पंत रागिनी हो गई, कस्तूरी मेथी का जो नाम होता है वो होता है ट्राइगोनेला कोरिनिकुलाटा, और कस्तूरी मेथी को पान मेथी भी कहते हैं।
और इसकी खेती ज्यादातर कहाँ होती है, नागौर में होती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कीट और रोगों में इसमें बात करते हैं तो कीट और रोग केस में इतना कोई इंपॉर्टेंट कीट या रोग नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ जो अपना फसल उत्पादन वाला टॉपिक है यह भी संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ है और ये एग्रोनॉमी कंप्लीट हो गई चिंकी मिंकी और सारे लोग, है ना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हो। खैर कोई बात नहीं, आप जुड़े हुए तो आपको इसका बेनिफिट भी जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अपन एग्रोनॉमी को जय हिंद जय भारत करते हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ अपन आए हैं, लेकिन अब ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है कि जोश पूरा ही एग्जॉस्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छी रही क्लास आज की तो। लेकिन अपन ने जैसा सोचा है वैसा अपन ने काम कर लिया है। आपको क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में कल वापस, तब तक जय हिंद जय भारत। और कल जो होगी अपनी मैराथन क्लास रहेगी, कल आपके सामने जीके के क्वेश्चन भी आएंगे, इसके अलावा आपके एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर और एनिमल के भी आपको मिलेंगे, तो अलग से जीके के लिए टीचर भी आएंगे, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं शायद मैंने सुना है, तो अब देख लेते हैं कि अपन कल लाइव में वो कितना अच्छा कर पाते हैं। सुना है मैंने, अभी देखा नहीं है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपन कल देख पाएंगे। तो कल आप जो है क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। कल अपन जो है मैराथन क्लास जो शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर वाली, वो 1 या 2 बजे से शुरू करेंगे। टाइम मैं आपको सुबह तक जो है आपको मैसेज कर दूंगा 10-11 बजे तक कि कितने बजे अपनी क्लास ये रहेगी। तो तब तक आपको जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल अपन वापस। थैंक यू वेरी मच।